जी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके आप लोग ध्यान दीजिए कि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लॉग। क्या स्टार्ट हो रहा है? अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ लॉग को समझना पड़ेगा। बेंच पर से हाथ रहो, इंटरेस्टिंग वे में आ जाओ, क्योंकि न्यू टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉग का, बहुत ज्यादा लॉग का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनो। ओके, तो लॉग को लिखा जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखते हैं, सुनो ना, लॉग ए एक्स क्या होता है। ऐसे ऑलरेडी मैंने फंक्शन में डिटेल इसको बताया था, थोड़ा सा फिर बताता हूँ। पढ़ते हैं इसको, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। क्या पढ़ते हैं? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। कुछ कंडीशन याद रखना कि जो लॉग के ब्रैकेट में ना x है ना, x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है। माने कोई पूछे तुमको कि बताओ लॉग जीरो का वैल्यू डिफाइंड है क्या कोई बेस पे, तो बोलोगे अनडिफाइंड है। क्या है लॉग? बेस कुछ भी रहे, दस मान लो दस है और लिखा रहेगा यहाँ पे माइनस वन, तो बोलोगे अनडिफाइंड है। क्या लिखोगे? माने लॉग के इस x के बदले में, x जो डोमेन का हिस्सा है, उस डोमेन में कभी भी निगेटिव या जीरो कभी नहीं आ सकता है, वो ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा? दूसरी बात सुनो, ग्राफ पढ़े भी थे तुम लोग, याद होगा। उसके बाद ये जो बेस है, बेस खुद भी कभी निगेटिव नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। हाँ याद ना, बेस क्या क्या नहीं होगा बता देता मैं। बेस कभी भी बोलो वन नहीं होगा एंड निगेटिव नहीं होगा, बेस कभी वन नहीं होगा एंड ऑलवेज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। माने बेस की वैल्यू कभी वन नहीं होगी और हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, अब लॉग का क्या मतलब है बच्चा लोग समझो, तुम लोग बहुत दिन से बक रहे थे लॉग का, किसको लॉग कहते हैं समझो, मैं बता रहा हूँ, आज समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से नहीं, स्टार्ट करके स्टार्ट देते हैं। चलो बेटा बताओ, दो का पावर तीन कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आठ। कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत? दो का पावर तीन क्या होता है? दो को बोलते हैं बेस, तीन को बोलते हैं पावर। कोई दिक्कत? नीचे वाले को बेस बोलते, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पावर। तो पावर को ही हम लोग बोलते हैं लॉग, पावर को ही बोलते लॉग। लिखने का तरीका सुनो, क्या बोलते हैं? पावर को ही बोलते हैं लॉग। अदो लिख रहे, अभी थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्या बोलेंगे? दो पावर को ही लॉग बोलते हैं, तो कैसे लिखेंगे? दो क्या लिखेंगे? लॉग एट, बोलो लॉग एट। अब बेस कितना? बेस कितना? वो यहां आएगा, तरीका आ गया। एट का लॉग बेस टू, पावर कितना? पावर कितना? थ्री। पावर को हमेशा लॉग के बराबर में लिखेंगे, यानी पावर को ही लॉग कहते हैं, इस तरह लिखा जाता है। मैं बोलू लॉग क्या था, क्या बोलोगे? पावर। एक एग्जांपल हो गया, चलो दूसरा एग्जांपल देखो। खुश तुम बताना, खुश बताना, चार का पावर तीन कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चौंसठ। कोई दिक्कत किसी को? अब लिखाओ, लिखाओ, बताओ। लॉग चौंसठ, लॉग चौंसठ। अब बेस कितना? पैर के पास बराबर तीन। पावर को ही लॉग कहते हैं, पावर को ही। दो तीन बार बोलो, पावर को ही, पावर को ही, पावर को ही। आवाज नहीं आ रहा है क्या? जो तुमको देख करके हमारा ही आवाज खत्म हो जाएगा वैसा। अब उल्टा 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 मैं क्या करता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे, सुना 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 सुना। अब अगर तुमको ये बात पता चल गया कि पावर को लॉग कहते हैं, तो मैं लिख रहा हूं दो, यहां पे लिख रहा हूं सोलह। अब मैं बताओ, बताओ, मैं पूछूंगा, बताओ यहां पे कितना आंसर आएगा, कौन बता सकता है? पहले बताओ आंसर, सोचो। या गुड गुड गुड, मैं बोलूंगा, बताओ, सुनो सुनो, पावर को ही लॉग कहते हैं। मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ कि बताओ दो का कितना पावर होगा कि आंसर सोलह आएगा? दो का कितना पावर होगा कि आंसर सोलह होगा? चार। वाह गुड। क्या करो, एक्स मान लो, क्या मान लो? एक्स मान के लिख दो, दो एक्स है ना ये नंबर, तो ये बेस है ना, अरे क्या है, तो लिखेंगे दो का पावर एक्स बराबर का लिख देंगे सोलह। माने यही ना तुम्हारा बेस, ये नंबर है, ये बेस है, तो बेस का पावर एक्स बराबर सोलह बराबर। अब बताओ सोलह को क्या लिख सकते, दो का पावर चार, एक्स की जगह कितना होना चाहिए? एक्स की जगह चार। इससे बात करो, पूछो, बोलो बोलो दो का कितना पावर, बोलो सोलह होगा, कितना? चार। वाह 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 वाह, राम जी जोड़ी क्या बनाई, कोई बता सकते हो? ऐसा बता दो, देखते कौन जवाब देता है। नाइन और तीन, जल्दी बताओ कौन बताएगा आंसर, जल्दी आंसर क्या आएगा? पावर को ही लोग कहते हैं। बात करो, बात करो, तीन का कितना पावर चढ़ाओगे कि आंसर नौ आएगा, बताओ? दो। या गुड, आंसर आ गया चुटकी में, तीन का कितना पावर चढ़ाओगे आंसर नौ आएगा। वाह 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 वाह, अब बता दो काबिल हो तो, अब बता दो, पहले 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 तीन 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 ले लो, बताओ बताओ आंसर एक। क्यों? तीन का कितना पावर चढ़ाओगे आंसर तीन होगा, वन। अरे तीन का पावर एक चढ़ाएंगे तब तो तीन तीन होगा, किसी भी नंबर का पावर एक होगा तो आंसर उतना ही होगा,
कहने का पावर एक है, लॉग अगर एक के बराबर दिया हुआ है, समझ जाओ कि बेस सेम होगा। यानी उल्टा बोलो कि सेम बेस पर लॉग का वैल्यू कितना आएगा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, झूम के बोलो। ऐसे लॉग लिखा रहेगा तो तुम पावर भी लिख दोगे, ऐसे तीन का पावर एक आंसर कितना हो जाएगा, तीन, सही है। कभी पावर भी लिखा हो तो लॉग लिख दोगे, कभी लॉग लिखा रहेगा तो, समझ आया? अच्छा बताता हूँ, तुम लोग बहुत काबिल हो। मैंने लिख दिया लॉग, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे लिखा वाई, क्या लिखा चलिए बोलो, यहाँ एक्स, कन्वर्ट कर सकते हो पावर में, पावर में कन्वर्ट कर दो, बोलो बोलो, ए का पावर एक्स बराबर वाई, समझ आ गया? अच्छा मैं लिख दूँ यहाँ पे, चलो लॉग टेन, यहाँ लिख दूँ मैं एक्स बराबर, लिख दूँ यहाँ पे एम, क्या लिख दूँ, ए बेस कितना, बेस कितना, दस का पावर एम, दस का पावर एम बराबर एक्स, जो भी इधर रहेगा ना वो पावर बनेगा, क्योंकि लॉग पावर को ही कहते हैं, भैया में गया? तो लॉग लिखा हुआ है तो तुम पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, पावर लिखा हुआ है तो समझ आया? हाँ बेटा ना कहना क्या मिस्टर, अब बताओ मैं तुमको बोलू, अच्छा बताओ लॉग पांच या पांच, आंसर बताओ जल्दी बताओ, आंसर कितना होगा, वन, सोच रहा ही नहीं है, पांच का कितना पावर लेंगे कि आंसर पांच आएगा, वन, यानी कि सेम नंबर और सेम बेस, सेम नंबर सेम बेस, लॉग क्या कितना आंसर, क्योंकि पावर को ही क्या कहते हैं, लॉग, पावर को क्या कहते हैं, हाथ उठाओ, पावर को क्या कहते हैं, ओके ओके। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं लॉग ए, यहां लिख रहा है ए, आंसर तो कितना होगा, जोर से बोलो, झूम के बोलो, तो ये अपना फॉर्मूलिया बन गया, पहला फॉर्मूलिया, इसको पहला फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या फॉर्मूला टफ है क्या, समझ आ गया, सेम बेस सेम नंबर लॉग वन। चलो उसके बाद और एग्जांपल देखो, एग्जांपल और, हाँ फॉर्मूला को डब्बा में पैक कर देना, ओके चलो 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 मितवा, इन प्यारी प्यारी राहों में खो जाए, चलो बताओ इसका आंसर बताओ, हाँ तीन का कितना पावर चाहोगे वन होगा, कह के किसी भी नंबर का पावर जीरो कितना होता है, वन, खाली एक्सेप्ट जीरो, ओके तो आंसर कितना लिखोगे, चलो काबिल हो तो बताओ, बड़े का इसका मीनिंग क्या हुआ, तीन का पावर जीरो कितना होता है, वन, इसमें हकीकत है कि नहीं है, तीन का पावर जीरो बराबर वन, ओके जो भी इधर होता है वो पावर बनता है, जो भी इधर होता है, आंसर बताओ आंसर बताओ आंसर बताओ, ये भी जीरो, क्योंकि पांच का पावर जीरो कितना होगा, वन, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आंसर बताओ आंसर बताओ, जीरो, वाह, क्योंकि ई का पावर जीरो कितना होगा, वन, अच्छा यहाँ पर अच्छा बताओ लॉग ई आंसर कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, मानी अक्सर ये यूज होगा, ई का पावर वन ई होगा, सेम बेस वर्स आंसर वन, बताओ इस तो क्लियर हो गया कि वन का लॉग कितना होता है, वन का लॉग जीरो, वन का लॉग जीरो, जोर से बोलो, अब इसको डब्बा में लाल लाल करके पैक कर देते हैं, लॉग ऑफ वन टू द बेस टू एनी बेस टू एनी बेस, अब बेस लेकिन फिक्स है कि बेस पॉजिटिव ही होना है, ओके बेस क्या होना है, आंसर कितना हो जाएगा, वन का लॉग किसी भी बेस पे कितना होता है, याद रहेगा, अभी कैलकुलस में हम लोग मैथमेटिक्स में ना बेस हमेशा ई लेंगे, क्या लेंगे, ई, ए कभी नहीं लेंगे, फिर उस पर आते हैं, पर इसको उतारो सारी बात, किसको लॉग बोलते हैं, चलिए बताओ, पावर को ही लॉग कहते हैं, चलो इसको नोट करो, ओके सुनो मैंने क्या बोला, पावर को ही क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। अब ये नंबर टू लिखना, बताओ सेम बेस पे लॉग क्या होता है, वन, और ये ई वाला बहुत यूज होगा कैलकुलस में, बहुत ज्यादा, ई बेस वन, ओके याद रखना, कभी कभी क्या होगा कि ई को वन करेंगे, कभी कभी वन के बदले में, वन के बदले में ये लिख देंगे, तो हर बड़ा ना नहीं, वन के बदले में लिख देंगे जरूरत पड़ेगा तो, ओके एक बेस ही रहता है हमारे कैलकुलस में, मिटा दो उसको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एट इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एट इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन चलो चलो सुनो ना सुनो ना, तीसरा नंबर, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, जे बताओ तुम लोग को याद है ऐसे बचपन में तुम लोग क्या होगा, दो का पावर तीन दो का चार क्या कर देते, बताओ जल्दी बताओ, कर देना, गुना में पावर जोड़ देते हैं, तो लॉग पावर को ही क्या कहते हैं, लॉग, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं सेम बेस पर, और डिवाइड में सेम बेस पर पावर घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह लॉग के साथ काम करना है, याद है हो गया फॉर्मूला, गुना में रहेगा अगर दो फंक्शन बेस सेम रहेगा तो प्लस कर देंगे, क्या बड़ी बात है ये, दिल से बोलो, दिल से रे
अच्छा यहाँ पर दो है, कहना है गुना में जी फॉर्मूला है, कहाँ से लॉजिक लाए, कहाँ से लॉजिक लाए? जिस तरह गुना में पावर जुड़ता है बेस सेम रहने पे, उसी तरह लॉग भी गुना में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि पावर को ही लॉग कहते हैं। चाहूँ तो प्रूफ कर सकता हूँ बट प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लॉजिक से याद रखो क्योंकि मैजिक होगा, कम प्रेशर भी आएगा। डिवाइड में डिवाइड में डिवाइड, अच्छा यहाँ तीन दो ठो ना, ऐसे ना दो ठो क्या ठो है, दो ठो है ना, तो ये यहाँ दो वाले लिखेंगे, तीन ठो रहता तो चार ठो रहता तो, डिवाइड में तो दो ही ठो रहेगा। ए मिस्टर 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 एक्स, बेस सेम रहना चाहिए लेकिन बेस क्या रहना चाहिए, ओके तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगा माइनस, अरे दो का पावर इतना गौर से का देखा जाएगी, दो का पावर तीन का होता है, दो का पावर पांच में तीन का तो दो, डिवाइड पावर घट घटा देता है, खाने जगह ऐसे देख लो गौर से, इतना गौर से देखो, सुनो जी सुनो एक बार बताए, एक और लॉजिक सुनो, ये हंस रहा है सर, कर रहा है हंस रहा है, एक बार बताओ ये बताओ, मैं तुमसे पूछूं, सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, चलो मैं तुमको बोलूं, सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनोगे बट बोलिए ना रहे हो, अच्छा करते यहाँ दो ले देते हैं, यहाँ 32 कर देते हैं, आंसर बताओ इसका कितना होगा, जल्दी बताओ एक लाइन में, जल्दी बोलो कैसे, मैं बात करो बात करो बात करो, दो का कितना पावर लेंगे कि आंसर 32 होगा, पाँच, आंसर कितना आ गया, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जल्दी बोलो सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए, सब बच्चों का ध्यान, अरे 32 का लॉग बेस दो पर कितना होगा, तो कब बात करोगे, दो का कितना पावर लोगे कि आंसर 32 आएगा, ये ना क्योंकि पावर को ही लॉग कहते हैं, तो दो का पावर पांच लेंगे तो 32 आएगा, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना 32 ना, समझा हो गया आंसर, बट इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, सुनो कैसे कैसे कैसे, अब ऐसे बोलने की भी जरूरत पड़ेगी, इसको लिखे 32 को लिखेंगे दो का पावर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इस पांच को बगल में सरका देंगे, बगल में सर की जो सर से धीरे धीरे, समझा, ए समझी बबू, ए अर्चू समझी, इसका वैल्यू कितना होगा, लेता देखो तुम्हारे सामने खुल्ले में खुला लिखा हुआ है, कितना हो गया आंसर, कितना आ गया, इससे ये इस एग्जांपल से मैंने ये बात आपको बताया, फील करवाने की कोशिश की कि पावर रहेगा तो उसको बगल में ले लेना है, बताओ अगर लॉग बेस है एम का पावर एन है, एम का पावर, तो पावर को क्या करना है, बगल में सरका देना है, बोलो बगल में सरका देना, गारा गारा है सर की जो सर से धीरे धीरे, ओके कोई दिक्कत, आगे नहीं बढ़ा रहे, आगे गाना नहीं गाएंगे, मैं मुझे याद करवाना है, भैया मैं गया दिल्ली, बोलो पावर रहेगा तो उसको बगल में सरका देंगे, यस कभी नहीं भूलना, मिटा दूं इसे, लिखना लिख लेना एग्जाम्पल के साथ लेना, थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, कैसे पॉइंट हो गए, कैसे पॉइंट हो गए, मैं उधर वाला मिटाने वाला हूँ, मिटा इसको लिखना एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करना है, पावर को बगल में सरका देना है, पावर को बगल में सरका देना है, पावर को बगल में सरका देना है, पावर को, पावर है पावर, पावर है पावर, तुम खत्म करके आई हो, चलो ठीक है, कैवा नंबर कैवा फॉर्मूला हो गया, कैवा फॉर्मूला हो गया, छह हो गया, पांच हो गया, पहला बताओ पहला बताओ, सेम बेस पर वन, वन का लॉग जीरो, गुना में तो प्लस में, माइनस डिवाइड में तो माइनस में, और पावर तो बगल में सरका देंगे, बला के बगल में सरका है, कैसे बोल रहा है, अच्छा एक एक बात बताओ, एक एक और बताओ, कितना बच्चा इतना समझदार होता है, एक चीज देखो ये फॉर्मूला गौर से देखने की जरूरत है, एक लॉग दो लॉग में कन्वर्ट हुआ तो उल्टा लगेगा ना फॉर्मूला, तो दो लॉग कई लॉग में कन्वर्ट होगा, कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चा बहुत समझदार होता है, बता कैसे बताता, सुनो 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 ना, लिखा रहेगा ऐसे, सुनो log m प्लस log n, ऐसे लिखा रहेगा, log m इंटू एन ऐसे लिखा रहेगा ना, तो क्या करेगा जानते हो, log m प्लस n कर देगा, समझो इसको m प्लस n कर देगा, उसको पता था कि गुना में पावर जो है, गुना में क्या होता है log जुड़ जाता है, ऐसे बने पावर तो कर, तो हम उसको कहते यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखो ना प्लस साइड में दो टू लॉग है,
गुना में एक लोग बन जाएगा। बट यहाँ पे गुना में ही कई लोग है, हरमुलिया नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है कभी। यस, गुना में अलग अलग रहेगा, उसको छोड़ देंगे वैसा ही काम करेंगे, उसमें फॉर्मूला कंफ्यूज नहीं लगा करना। अच्छा एक और एक और एक और एक और एक और एक और सुनो, एक बच्चा ऐसा होता है, सुनो ना, देखा माइनस में लॉग देखा, सुनो ए मिस्टर बबूलाल माइनस में देखा ना, माइनस में, अरे सर बोले थे डिवाइड में कर देना, क्या कर देगा सुनो ना, लॉग एम अब बाय एन कर देगा। एक बच्चा तो और, अच्छा एक बच्चा तो और समझदार होता है, वो तो लॉग एम बाय लॉग एन अलग अलग कर देता और उसका लॉग से लॉग को काट देगा, एन से लिख देगा एम बाय एन, थोड़ा सा एन भी कट रहा है, समझ जाओ दैट स्टूडेंट इज द आइंस्टीन का दादा ग्रैंडफादर। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, कि ये मिस्टेक तुमसे हो सकती थी, तुम ऐसा विचार कर सकते थे, ऐसी मन में विचार ला सकते, एक कुप्रथा है। मैं बता रहा हूँ, दो लॉग एक लॉग में कन्वर्ट होगा, उल्टा भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, दो लॉग प्लस में रहेगा तो गुणा में चला जाएगा एक लॉग में, यहाँ दो लॉग माइनस में तो एक लॉग डिवाइड में जाएगा, ऐसे करके इधर से दो लॉग इधर से, ये याद रखना है, बच्चे कन्फ्यूज करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो एक तरफ से याद रखो दो तरफ से याद रहेगा, सुनोगे सुनो, नहीं 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 मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। एक और छोटी छोटी बातें सुनो, बेस ए है यहाँ पे, यहाँ एक सुनो ना पहले, सुनो नहीं बोलो ज्यादा, बोलने से बीमारी होता है, लॉग एक्स है, सुनो ना पहले, कभी कभी क्या होगा तुमको बेस ना, हमको चूंकि कैलकुलस में ना ई के साथ डील करना पड़ता है, बेस हमेशा क्या रखना है, ई क्या रखना है, अब तुमको बेस ई नहीं रहेगा, सेवन रहेगा, दस रहेगा, अब उसको बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, सब बच्चों का ध्यान मैं यहाँ चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्या करना, इसको दो लॉग में लिख देना, क्या वाला लिख देना, एक वाला लिख देना लॉग एक्स ऊपर में और नीचे लिख देना लॉग ए, खत्म, माने ए एक्स को ऊपर लिख देना ए को, अब बेस कुछ नहीं लिखना, बेस बताओ, हाँ अब समझदार हो गई गलती, नो गलती हुई है, एकदम सही है, इसका नाम है बेस चेंज फॉर्मूला। नहीं समझा, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ ज्यादा समझाएगा, लॉग एक्स सेवन एक्स ना बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो, और कितना बच्चा बहुत ही समझदार बच्चा होता है जो कैलकुलस बहुत पढ़ चुका होता है, तो लॉग एक्स का डिफरेंस कहता है सर 1/x होगा, जो कि क्या है 1/x, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होगा जब बेस क्या होना चाहिए, ई बेस क्या होना चाहिए, ई सेवन है, इस सेवन को हटा करके ई लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर तुमको बेस चेंज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, क्या करो सुन, क्या लिखोगे यहाँ लिखोगे लॉग एक्स, क्या लिखोगे, और नीचे क्या ई सेवन है, यानी दो लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग सेवन, और बेस यहाँ अपने आप क्या हो गया, कुछ करना ही नहीं है, बेस ई आ गया, भैया मैं गया, मैंने एक लॉग को कै लॉग लिखना पड़ेगा, दो लॉग, एक बार ऊपर वाला नंबर, एक और नीचे वाला, बेस को लिख दो, ऐसे कर दो। अरे एक और बात ये छोटी सी बात याद ना, इसका नाम बेस चेंज फॉर्मूला है। अब सुनो एक चीज बताता हूँ, एक और, कभी कभी क्या होगा कि मान लो नीचे लिखा हुआ है, सुनो ना लॉग ए और यहाँ लिखा हुआ बी, क्या लिखा हुआ है, तुम अगर मान लो कभी कभी छोटा सा कैलकुलेशन नीचे से ऊपर ले गए, क्या लेगा, ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाओगे ना, तो जो जो बी है वो ए हो जाएगा, जो ए है सो अदला बदली हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, करो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, भैया में गया, छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला तीनों, ओके भैया में गई, अरे गई, चलो था एक एग्जांपल होता, लॉग सेवन को कैसे लगा फॉर्मूला लगा था, लॉग सेवन एक्स को कैसे लगा था, तो कैसे लॉग एक्स, बेस छोड़ो यहाँ पे, लॉग सेवन, लॉग अब लॉग सेवन है यहाँ, अब बेस क्या लिखोगे यहाँ पे, ई और ई, कुछ भी बेस ले सकते हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कैलकुलस में हम लोग क्या लिखते हैं ई, इसको तुम नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हो, नीचे से ऊपर तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा यहाँ, और उसको छेड़छाड़ नहीं करना, वो जैसे है। अच्छा एक और छोटी बात है, लॉग ऑफ बेस ई को बोलते हैं एल एन एक्स, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, एल एन एक्स लिख देते हैं इसी का, इसी का डिफरेंशिएशन होता है, एल एन एक्स का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, एल एन एक्स का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे बोलो ना, और इस चैप्टर में दो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जो बच्चा ध्यान इधर देखो, ई के पावर एक्स का डिफरेंस क्या होता है, जल्दी बोलो, एक और फॉर्मूला उसका इस्तेमाल होगा, ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए का पावर एक्स का, अब एक चीज समझो सारे बच्चा, यहां पर आंख खोल लो, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन याद है, yes, जिसको याद नहीं है उनको पोखर में जाने की जरूरत है, बगल में पोखर है, बता रहे एन इंटू एक्स बराबर एन माइनस वन, दो ही बता रहा हूं, ये मेरी बात गौर सुना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वेरिएबल का पावर कॉन्स्टेंट हो,
अगर तुमको मैं ऐसे दे दे x का पावर x, और तुम बोलोगे सर n का काम कर रहा है x, और तुम लगा दिए कि x गुना में एक पावर घटा दिए और फिर आंसर x लिख दिए, जो कि क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो। क्या सर समझा, वेरिएबल का पावर, हाँ आपको सर पहचान बताइए तो, जैसे x और 5 नंबर है, जैसे x का पावर a वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, y का पावर a कांस्टेंट है, यानी ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, बट लिख देंगे y का पावर x, क्या ये फॉर्मूला लगा दोगे, कभी नहीं, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वो भेजा में गया, लेकिन ये जो है ना इसको बोलते हैं कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, क्या बोलते हैं, इसको प्रूफ करके बताएंगे अगला लेक्चर में। इसका फॉर्मूला होता है a का पावर x log a, क्या होता है log a, बेस कितना, बेस कितना छिपा हुआ है, जब भी कैलकुलस में हम लॉग ना देखे बेस ना दिखाएंगे, समझ ना, दिख रहा है उसमें, अगर मैंने बेस नहीं दिखाया, समझ ना कौन बेस है, ई बेस है भैया, मैं क्या तो मैं ई नहीं लिखूंगा, हमेशा लॉग लिखूंगा, समझना बेस ही है कैलकुलस में। हाँ केमिस्ट्री में हम लोग 10 बेस पे काम करते हैं भैया, मैं क्या, अच्छा सर सारी बात समझ में आ गई लॉग की, चलो इसको नोट करो, दो एग्जाम्पल करवाऊंगा, कहानी खत्म, ओके यस, क्वेश्चन सुनो सुनो सुनो, नहीं इसको सुनो, इस लॉग का अप्लाई ना, ऐसे लॉग का एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे जानते हो, जहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा ना, वहाँ पे लॉग का पूरा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, बट फिर भी दो सब मैं इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे अच्छा समझा रहा हूँ क्वेश्चन सब, ओके ओके सुनो 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 देखो इस चैप्टर में मैंने तुम्हारा जो एक्सरसाइज होगा अगला वाला एक्सरसाइज 11.4 किसना का, उसमें दो टाइप का क्वेश्चन है, एक तो है जिसमें लॉग और ई का पावर एक्स इस्तेमाल होगा, एक टाइप होगा जो कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल आएगा तो उसके लिए लॉग का इस्तेमाल पड़ेगा, ओके तो वो करेंगे अगला टाइप, पहला टाइप पढ़ेंगे ये सिंपल वाला क्वेश्चन जिसमें चेन रूल लगेगा, क्या लगेगा, खाली याद ना कि एल एन एक्स को ही लॉग एक्स बोलते हैं बेस ई, एल एन एक्स का होता है नेचुरल लॉग, और उसमें बेस हमसे क्या लेते हैं, ई बेस लेते हैं, क्या लेते हैं, ऐसा फॉर्मूला का इस्तेमाल अगला टाइप में होगा, पहले टाइप वन में देख लो, एग्जाम्पल देखो टाइप वन, टाइप वन, टाइप टाइप वन ऐसा करते हैं, पूरा मिटा देते हैं ना, पूरा मिटा ही देते हैं, जरूरत क्या है, लिख चुके हो ना, चलो टाइप वन, टाइप वन, चलो टाइप वन सुनो, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनो, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है, e का पावर दिया हुआ है, रूट साइन x का दिया हुआ है, चलो रूट साइन लो, और अच्छा क्वेश्चन दे दे लो, ऐसा क्वेश्चन इन्हें किस स्क्वायर से घटा दोगे, है ना, धोखा से बिना, अरे समझे बात को, अब बताओ e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब यहाँ देखो यही फॉर्मूला में तुम लोग गौर से नहीं देखते हो, काबिल बनते रहो तो हाथ हरा मरा हुआ है, तो यहाँ एक से तो यहाँ भी क्या है, मैंने e के पावर में जो रहेगा वही नीचे डालो, बताओ बताओ करो 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 डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल बता रहा हूँ, ई के पावर में बताओ क्या है, ई के पावर कितना है ना, नीचे का दो, नीचे का दो क्या, पूरा ई के पावर को उतारो, ई के पावर का पूरा 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 जो भी ई के पावर में पूरा उतारना पड़ेगा, एक बार गुना करो, अब बताओ आप कौन रूल लगेगा, कौन रूल मैंने चेन तो लगेगा, किसके लिए लगेगा, साइन के लिए कि रूट के लिए, रूट के लिए, क्योंकि रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट का रूट रूट ना रहा भूत हो गया, क्या होता है रूट एक्स का फॉर्मूला पता ही ना होता है, तो रूट का क्या रूल है, जो अंदर में भाई बाहर में बताओ, अंदर में क्या होता है, अंदर क्या है, एक और क्या करना पड़ेगा, मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया, अब बताओ साइन का पावर एक है, एंगल को बराबर करना पड़ेगा, चलो नीचे का लोगे हो गया, अब एक बार करना पड़ेगा, अब यहां आके क्या करना है, रुक जाना है, e के पावर x का जो होता है वही होता है, e का पावर जो होता है तो जो है वैसे लिख दो, समझ आ गया, जो कौन समझ आया, ये यहाँ यहाँ नहीं समझ आया, यहाँ हाँ तो रूट का रूल लगा दिया, रूट के अंदर जो है पूरा नीचे उतार दो, फॉर्मूला लगाएंगे ना आगे, अभी क्या लगा रहे हो, अभी तो सेट कर रहे चलो अगले से फॉर्मूला लगाओगे तो कर रहे हैं, अब e का पावर x का जो है सो है ना, इस रूट एक्स का फॉर्मूला लगा होगा, वन बाय टू रूट, अब खुश हाँ, अब बताओ साइन का एंगल, एक का एंगल क्या होता है, एक्स स्क्वायर, किसी को दिक्कत किसी को, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ई टू से ई टू, आंसर आ गया, सच सच बताओ समझ आ गया ना, गया नीचे बताओ, एक्स छूट गया, एक्स छूट गया, एक्स यहाँ लिख देते हैं, बोला एक्स, कोई डाउट किसी को, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसको बिठा रहा हूँ, पहले क्या करो जो फॉर्मूला लगाने वाला होगा ना, चलो सुनो सुनो एक और एग्जांपल, सुनो ना सुनो ना, जैसे मान लो एक चीज़ सुनो 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 सुनो, अब लिख रहे हो कोई फायदा नहीं होगा,
y इक्वल टू log sin x का होता है, log लिखा हुआ है तो समझ बेस क्या है, log लिखा तो बेस क्या है, हाँ बेस log sin x का, तो बना सकते इसको, अब बताओ log x का डिफरेंशियल क्या होता है, यहाँ x तो यहाँ भी क्या, बताओ चलो लगा लगा चलो लगा, बस फॉर्मूला को गौर से देखो, d log नीचे का करना पड़ेगा, नीचे का करना पड़ेगा, चलिए बताओ नीचे sin x, एक बार क्या करना पड़ेगा, अरे बोलो ना, आगे चेन लगाने की जरूरत, log sin x का क्या होता है, sin x, sin का डिफरेंस क्या होता है, cos by sin क्या हो जाएगा आंसर, क्या कोई डाउट किसी को, टच कर दो अभी मुझे, मैंने यही दो फॉर्मूला पे तुम्हारा अगला सवाल है, एक और अभी रुको, एक और सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, तीसरा, तीसरा ना, y इक्वल टू e कौन बता सकता है, कोई बता सकता है, log 7 log x, वाह मजेदार क्वेश्चन दिया ये, ये वाला दिल खुश जाएगा, ये आंसर ही क्वेश्चन है, e में बेस कितना बताओ, कितना बेस अभी, यहाँ पर बेस 7 है बट यहाँ पर e है कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे, e है, अरे बेस यहाँ पर भी तो होगा, तो वहाँ नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, वहाँ भी e है, तो log का log है, अब इस 7 को पहले क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला भी पढ़े थे बताओ, log a और यहाँ पर b रहेगा, मान लीजिए m रहेगा, बोले थे ना, तुम क्या बोलते, log m ऊपर लिख दो और log a नीचे लिख दो, या बेस खाली यहाँ पे e कर देना, अपने आप e हो जाएगा, देखा e दिखाने की जरूरत नहीं, सुनो तो ये बताओ m का काम कौन कर रहा है, m का काम कौन कर रहा है, कौन बताएगा, ये log x m का काम कर रहा है, तो लिखो पहले, लिखो इस log को पहले दो log बनाओ, क्या log बनाओ, एक log और ब्रैकेट में log x, किसे दिक्कत, log m, इस log को दो log बनाना है, इस log को वो log अंदर अंदर है, तो m का काम कर रहा है, उसको छेड़छाड़, अरे समझे बात को, ये m की जगह पे यहाँ पे log x है, छेड़छाड़ नहीं करना, ये m को m में लिखना, ठीक है, इस log को क्या log बनाना, एक बार log log x है, एक log log 7, log बताओ 7, अब बेस करना है यहाँ पे, कुछ नहीं दिखना है, दिखाने की जरूरत नहीं, अब चलो अभी कॉन्स्टेंट है, क्या है बताओ, बताओ ये क्या है, कौन log x, कौन log, log 7 का, हाँ हाँ, तुम तो ऐसे कहो ऐसे, तुम यही नहीं समझ रहे, आ रहा है ना, तुमको बता रहे हैं, हर बार नहीं, एम का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो ये एम जहाँ पर है वहीं पर है, उसको अच्छा जाने किया नहीं मैंने, नहीं समझा, इस लॉग को जिसका मैंने बेस चेंज करना है ना, इसका बेस ना चेंज करना है, इसका बेस चेंज करना है, तो इस लॉग को क्या वो लोग बनाएंगे, एक बार लेंगे लॉग का बेस ई, एक बार लॉग का बेस लेंगे, मैंने एक बार लॉग एम, इपड़ा क्या हो गया एम, लॉग एम बट्टा लॉग 7, समझा अब, नहीं क्लियर हुआ, चलो अब बताओ कॉन्स्टेंट है क्या है? बताओ डिफरेंशियल आप इसको कर सकते हैं ना, क्योंकि बेस कितना हो गया यहाँ पे, अब लॉग कॉन्स्टेंट हो गया, लॉग 7 को ऐसे बार कर दो, बार कर दो, लॉग 7 बेस कितना है यहाँ पे, अभी ई दिखाने की जरूरत नहीं है, लॉग ऑफ लॉग दिख रहा आकाश कट रहे ना क्या, अब उसको डिफरेंशियल कर देंगे, चलो चेन लगाओ, चलो डी वाई वाई डी एक्स, तो अब लॉग 7 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, आज चेन लगाओ, चेन लगाओ, लॉग के अंदर में कितना है, नीचे का लिखोगे बताओ, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बनवा एक्स जितना यहाँ उतना, अभी लॉग के ब्रैकेट में क्या है बताओ, लॉग के ब्रैकेट में क्या, लॉग एक्स लेना पड़ेगा, कोई डाउट, एक बार क्या करना पड़ेगा, क्या समझ आ गया, बस खत्म करो सवाल, हो गया लास्ट क्वेश्चन था ये, लॉग लॉग एक्स का क्या होता है, बनवा एक्स, एक्स की तरह कौन काम कर रहा है, एक्स की जगह कोई दिक्कत, और लॉग एक्स का आंसर आ गया, कॉन्स्टेंट को बाहर रहने लगा, x log 7 खत्म, कोई डाउट किसी को, टच कर दो अभी, किसी दिखा कहाँ पे ये फॉर्मूला चेंज किया, हाँ ये वाला, तो वैसे को ऐसे निकाल, कॉन्स्टेंट बार कर दिया, इसको अलग कर दिया, ये कॉन्स्टेंट है ना, हाँ डिफरेंशिएट इसको करो क्या, कॉन्स्टेंट है 7 है तो कॉन्स्टेंट ना हुआ, ये वेरिएबल अलग कर लिया, उसी को डिफरेंशिएट करना है, समझा उसको, बाकी चेन लगा दिया, समझा गया, सारा कमाल किसका है, चेन रूल आ गया, सब कुछ आ गया, चलो नोट करो आप, ओके इसको नोट करो, दैट्स ऑल, देख रहा पूरा टैप कर दो, हो गया, सुनो, सो ये देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी जरूरत पड़ेगी, अभी लॉग का बहुत ज्यादा यूज होगा, अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी तो याद है ना, प्रॉपर्टी सुनो सुनो सुनो, बताओ ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें ये m का काम कर रहा है, ये n का मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में तो प्लस में चला जाएगा, पता है ना, करो डायरेक्टली प्लस में चला जाएगा, सो y पहले अभी डिफरेंशिएशन का काम अभी मत करना, डिफरेंशिएशन से पहले log का काम करना पड़ेगा, तो log x square, अब बेस कुछ नहीं है, कितना e है, अंडरस्टूड है,
एलएन भी बोल सकते हैं उसको, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, रूट ना लेकर के पावर हाफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत? ये पावर दो का करेंगे, लॉग का पढ़े ना, पहले मैं लिख देता हूँ, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, अगर गुना में रहता है तो प्लस में चला जाता है, ठीक है जी। फिर लॉग एम का पावर एन रहेगा तो पावर रहेगा तो याद है बगल में सरका देंगे, बगल में सरका देंगे, चलो सरकाओ, टू पावर है ना टू टू। अच्छा कितना बच्चा को है, एक कंफ्यूजन होता है डायगली क्यों करने जाओगे, अच्छा तुम अगर अगर डायगली करने जाओगे तो फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा अंदर में, और यहाँ पे तुमको कितना अच्छा काम बन रहा है, बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारा, उस पर चेन रूल में भी तुमको कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कैलकुलेशन, सिंपली तुम लॉग लगा देते हो, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लेते हो, तो कैलकुलेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा आसान। तो लॉग पढ़ने का ही मकसद यही था कि लॉग काम को आसान करेगा तुम्हारा, ठीक है चलो। हाँ कैलकुलेशन को क्या करेगा, चलो पावर कितना है, पावर कितना है। अच्छा एक बच्चे क्या करते हैं, सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, एक बच्चे बहुत समझदार होते हैं, लॉग एक्स का स्क्वायर रहेगा ना, लॉग एक्स का स्क्वायर, तो ये टू को बगल में ले लेंगे, ये गलत कभी मत करना, ऐसी ब्लंडर मत करना, ये एक्स का पावर दो रहेगा ना तब बगल में लोगे, ये होल पावर है, होल पावर में दो बगल में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ये, इसमें चेन रूल लगेगा, इस पूरा होल का स्क्वायर है वो, दोनों हटा ही नहीं सकते हो, यानी कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर का मतलब समझा, लॉग एक्स दो बार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये दो बार लिखा हुआ है, ये चीज में फर्क नहीं है, ये चीज में फर्क नहीं है क्या, भाई सुनो ना पहले ना भाई, साइन स्क्वायर भाई बता रहे यार, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये सेम चीज है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, बट साइन थीटा स्क्वायर होता है तो ये चीज अलग है भाई, तो मैं बता रहा हूँ कि लॉग एक्स स्क्वायर ये दो बगल में आ जाएगा, बट ये वाला दो बगल में, इसका मतलब लॉग दो बार लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, ठीक है ना भैया, मैं गया कन्फ्यूज में ना होना, यहाँ पर गलती मत करना, तो वहाँ चेन रूल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं टू पावर ले लें, अरे पावर में ना होल पावर नहीं है वो, उसका पावर है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएशन का काम कर ले, करो आप, आसान हो गया, डी वाई वाई टू लॉग का डिफरेंशिएशन, एक स्टेप नहीं करेंगे पहले, अगला स्टेप हड़बड़ाना नहीं है, एक स्टेप कम करने से प्रॉब्लम हो जाता है, चेन रूल लगा दो यहाँ पे, बताओ चेन का एंगल कॉस यहाँ एक्स, तो यहाँ पे क्या लॉग के ब्रैकेट में क्या होता है, लॉग के ब्रैकेट में क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इतना से क्या करना पड़ेगा, कोई डाउट किसी को, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, टू लॉग एक्स का बताओ, एक्स के बदले में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन का टू से टू, या काट काट रहे हैं गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर लिख दो टू बाई एक्स, दूसरा चार एक्स, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, और एल्सियम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, छोड़ सकते हो एल्सियम लेना तो एल्सियम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत, तो ये है तुम्हारा 11.4 केसिना का 2 का 3 दिख रहा ना पूरा, चलो इसको रुको पहले घेर दो, चलो तारो वीडियो पॉज नोट करो, देखो जी ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का अभी लॉग एम बाई लगेगा, ये पूरा एम का काम कर रहा है, ये पूरा कोई बनाया उस वालों क्या बन गया है, अच्छा कोई बात नहीं है, चलो देखो लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है हाँ चेक भाई बता रहा हूँ मेरे को ना, चलो क्या करो, लॉग एम बाई एन लगा दे, क्या लगा दे, लॉग एम बाई एन, एम की जगह कौन रहेगा, एम की जगह बताओ रूट अंडर एक्स की जगह, हाँ 10 फुट करके बना सकते हो, 10 फुट करके बना जाएगा, 10 फुट करके बहुत आसान हो जाएगा, ये सवाल 10 फुट करके बनाओगे, क्योंकि रूट अंडर एक्स प्लस स्क्वायर है ना, एक एक्स या ए टेन थीटा फुट कर दो, ए टेन थीटा फुट करो, सवाल फिजिक्स सारे बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम तुमको बिना 10 फुट के भी बना के दिखाते हैं, चलो दोनों करके दिखाते हैं, लॉग एम बोलो, लॉग एम लॉग एन सही है गलत है, अभी नहीं कि इसमें सुनो ना कितना अच्छा करेगा सर, माइनस है तो लॉग एम बाई एन कर दीजिए ना, माइनस है तो मारेगा दो थप्पड़, कभी नहीं होगा, डिवाइड में रहता तब ना माइनस में कर दे, डिवाइड में ऑलरेडी था पहले से तुमने कर ही दिया, अब चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाओ, अब थोड़ा सावधानी बरतो यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आसान भी है, चेन रूल लगाओ, डी वाई दिख रहा है ना मॉल में, चलो लगाओ, डी लॉग रूट के अंदर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आराम से बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, रूट के अंदर केवल इतना है, रूट के एक्स क्या है, रूट के 12 है, अच्छे बताओ चेन रूल लगाएंगे तो नीचे का देगा, नीचे का देगा, नीचे बताओ पूरा लॉग के ब्रैकेट वाला लिखो नीचे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स, जो भी लॉग के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ऐसे क्या करना पड़ेगा, गुना
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे अलग अलग कर देंगे। चलो किसी दिक्कत, यही चेन रूल उसमें लगाएंगे, किसमें लगाएंगे उसमें, क्या स्नेर है उसमें लगाओ, प्लस माइनस अभी बार ना माइनस नीचे ले देता हूँ यहाँ। अरे अलग अलग करेंगे तब तो ना लगाएंगे, इसको अलग करेंगे तो रूट वाला रूल लगाएंगे अभी तो नहीं। हाँ हाँ अगला स्टेप करेंगे, अगला स्टेप में रुको ना, हर राउंड डी लॉग थोड़ा बड़ा बनेगा सवाल, लेकिन टेन फुट करके बनाएंगे ना तो हो सकता है छोटा बन जाए। बताओ नीचे का लोगे, नीचे का लोगे, चलिए बताओ सेम लेना है, सेम है तो स्टेप ही हो रहा है वहाँ पे माइनस एक, मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स बाई डी एक्स, हो गया जी। अब आराम से हटाना नहीं है, देखो दिख रहा है आकाश, ये माइनस है वो, ये पूरा एक ही स्टेप का ही पूरा यहाँ तक, ठीक है। चलो सब बच्चों ध्यान नहीं होना, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ ये बताओ लॉग का क्या होगा, वन बाई एक्स दिख रहा है आकाश, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, हो गया ये ब्रेक कर दो लॉग से वन बाई एक्स। अब इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग करें डायरेक्टली कर दे क्या, रूट एक्स का ब्रेकेट में वन बाई टू रूट एक्स हो गया, अब फिर अंदर घुस के करना पड़ेगा, अंदर घुस के करो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ए का जीरो, ए स्क्वायर का जीरो, अरे करोगे ना कैसे करोगे, करोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला करोगे ना, चेन रूल लगाओगे नहीं लगाओगे, रूट अंदर चेन रूल का रूट का बाहर, रूट के अंदर क्या है एक्स प्लस ए स्क्वायर, ऐसे क्या करना पड़ेगा गुना एक्स प्लस ए स्क्वायर, नीचे का लिखोगे डी एक्स, तो ये रूट एक्स का क्या होगा वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर, अरे इसका एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ए स्क्वायर का जीरो। हाँ एक स्टेप छोड़ दिया, तुम कर लेना, नहीं समझ आ रहा है कि करना पड़ेगा मुझे, एक स्टेप में खा गया हूँ, ये हो गया। अब एक्स का बोलो एक्स का कितना, एक्स का कितना वन, चलो अब वही बात प्लस देखकर मैं लिख रहा हूँ, ई वाले का माइनस 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 वही चीज़ इसका भी लॉग वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, कोई दिक्कत रहने दो, अंदर बताओ अंदर में भाई वही काम इसका, इसका रूट का क्या होगा वन बाय टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तुमने नीचे लिखना जगह नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर टू एक्स का क्या होगा टू एक्स, ए का जीरो, और यहाँ पे एक्स का कितना हो जाएगा वन, सेम ही आएगा सेम, कोई दिक्कत नीचे दिखेगा क्या आकाश, एक चीज देखो यहाँ पर, यहाँ पे देखो इट टू से टू, इट टू से टू, अब ये एलसीएम लोग है देखो यहाँ पे एलसीएम लोग, ये यहाँ जाएगा इसके नीचे एक छिपा हुआ है, अरे ऊपर क्या बच गया एक्स बट्टा इतना बचा, देखो हम इसको अलग से बताते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस वन बचा, एलसीएम ले लो यहाँ पे एलसीएम, तो ये यहाँ हो जाएगा तो एलसीएम लो मेरे के लिए, लोग ऐसे तो रूट अंडर एक्स को प्लस स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा ऊपर में, सिम आ गया नीचे ऊपर छे सिम आ गया, एलसीएम लोगों तो क्या बचेगा ऊपर रूट अंडर एक्स का प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स का प्लस ए स्क्वायर, ये चीज आ रही नीचे सिम आएगा ना आया कट जाएगा, नहीं करेंगे हम घर पे करना तुम्हारा काम है, इट्स योर ड्यूटी, तो क्या हो गया कट जाएगा, क्या बचेगा आंसर बताओ वन बाय रूट अंडर एक्स का प्लस ए स्क्वायर, कट गया मैंने बच गया खाली मेरे पास ये एलसीएम वाला, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एलसीएम लोगे ओके, तो क्या करो ये पहले क्या करो, जब एलसीएम लोगे तो ये एक्स माइनस रूट अंडर ये उल्टा है, ये क्या है फिर माइनस को अंदर ले जाओ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैंने ये प्लस हो जाएगा ये तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा प्लस वन बाय रूट अंडर, आंसर आ गया टू बाय रूट अंडर, हो गया आंसर खत्म, मजेदार आंसर आया खत्म आंसर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, मैंने स्टेप खाया कटेगा तुम्हारा। यहाँ पर एक चीज़ बता दो फिर यहाँ पर देख लो, यहाँ पे ना तुम एलसीएम लोगे ना तो क्या आएगा जानते हो एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे में एलसीएम हो गया एक्स प्लस ए स्क्वायर आगे ना, अब बताइए तो उल्टा है ना ये दोनों, तो माइनस से इसका कॉमन लेकर गया इसमें से माइनस कॉमन लेकर के सीधा लिख दोगे माइनस प्लस, तब ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब बचेगा इतना तो प्लस में ये माइनस प्लस आ ये वन बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो दो हो जाएगा, कितना छोटा बन गया, मैंने स्टेप खाया इसलिए, ठीक है तुमको आराम से घर पे क्या करना है, अब बना के लाओगे ना तो कॉपी चेक करवाओगे ज़्यादा फायदा होगा कॉपी चेक कराने से, तुम्हारी गलती समझ में आएंगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है समझ आ गया। अच्छा तुम्हें एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट करते तब भी सवाल बनता, हो सकता था कहीं छोटा पुट बन जाए सवाल, हम दिखाते कैसे छोटा बनता है, चलो वीडियो पॉज करवा लेता पूरा दिख रहा है कि नहीं, दो मैंने पूरा क्वेश्चन पूरा स्टेप कर दिया आप लोगों का पूरा स्टेप जो मैंने समझाया, दो यहाँ पे इसको मैंने किया था चलो ना इसका बन रूट एक्स कर दिया लॉग वाले का, और इसमें अलग करेंगे डिफरेंशिएट, इसको अलग इसको अलग इसको अलग किया था इसमें चेन रूल लगा दिया रूट वाला रूल, रूट के अंदर जो मटेरियल नीचे फिर मल्टीप्लाई एक्स का अलग ई वाला एक्स का वन, ठीक है फिर यही बात इसको करेंगे पूरा ई वाला का इतना और ई वाले का रूट वाले का था अलग अलग और ये अलग। अब बताओ रूट एक्स कैसे दो, या रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है
वन बाई टू रूट एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का टू एक्स है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, जीरो जीरो लुक दो, वन का डिफरेंस एक्स का डिफरेंस है वन, वही बात नीचे माइनस वन हो जाएगा सब कुछ सेम। अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छा से, ये टू टू खलास एक्स बाय इतना और ये एक्स बाय इतना, यहाँ प्लस वन है यहाँ। अब यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम लो, एलसीएम लो, एलसीएम लो तो रूट अंडर एक्स का प्लस ए स्क्वायर, ये बचेगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स का प्लस, प्लस में तो सेम ही है ना, ये सेम ही है ना, ये सेम सेम कट गया, बच गया वन बाय रूट अंडर एक्स का प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इतनों नहीं काट सकते हो, इतनों नहीं काट सकते हो, क्यों? क्योंकि ये एक्स माइनस है, यह माइनस बाद में है, समझ रहे हो? तो क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या कर लो, माइनस कॉमन लो तो माइनस माइनस प्लस है, ये रूट वाला पहले हो जाएगी बात होती है, इधर फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माने तुम बताओ ना यार, यहाँ ए माइनस बी है, नीचे बी माइनस है, कितना आंसर लिखोगे, काट के बताओ कितना लिखोगे, माइनस वन लिखोगे, है ना, क्या एक दूसरे का उल्टा है, क्या है? तो भाई मैंने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस माइनस, या तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो या तो कहीं से कॉमन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर सेम हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई टू बाई टू, समझा गया, क्लियर? मैंने पूरा स्टेप किया है, कॉपी भी ऐसे करोगे, ओके। चलो बाबू बेटे पास करो, नोट करो इसको, चलो इसको नोट कर लो, मिटा रहा हूं मैं, आसान है क्वेश्चन सब, जी देख कर डर लग रहा है। अच्छा तुम्हें x में x की जगह 10 पुट करके लाओगे, a के x की जगह 10 थीटा, सवाल बहुत आसान होगा, करके देखें क्या, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड करके दिखाता हूं, चलो देखो, रुको, x की जगह a 10 पुट करो, बड़ा आसान हो जाएगा, देखो पुट, सेकंड मेथड, मेथड 2, x = a 10 पुट करो, a 10 थीटा, ओके, ये बताओ तुम बताओ यहां से 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x / a थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, इतना आसान बन जाएगा ना तुम सोच भी नहीं सकते हो, रहने दो अभी बाद में करते हैं, चलो रखो, इतना आसान सवाल हो जाएगा, तुम देखो अभी, देखो देखो आंसर सेम आएगा, गारंटेड है आएगा, देखो एक्स ये रखो, एक्स ये क्या रखोगे, ए टेन स्क्वायर थीटा, ए टेन जा रहा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोई दिक्कत, अब पहले से एक्स की जगह रखे हो, ए टेन थीटा, नीचे बताओ, नीचे बताओ, भाई भाई रूट अंडर ए स्क्वायर, इतना आसान हो जाएगा अभी देखते रहो खाली तुम, ए स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा, किसी दिक्कत है क्या, घेरो, चलो ए स्क्वायर कौन आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से रूट हटेगा, तो ए सेक स्क्वायर का रूट, ए सेक थीटा, एक थीटा करते हैं, जल्दी बोलो, ए सेक थीटा, ए टेन थीटा, कैसे समझ में आ गया सबको, मस्त है ये, मस्त है, सब्स्टिट्यूशन से आसान हो जाता है, क्या कोई डाउट किसी को याद था, अरे ए स्क्वायर कॉमन लिया, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट गया, अब एक कॉमन लेकर क्या कर दो, एक कॉमन लेकर के क्या समझ रहा है, और सेक को लिख दो वन बाय कॉस, क्या लिख दो, और टेन को लिख दो साइन बाय कॉस, उसके बाद नीचे लिखो सेक को वन बाय कॉस, नीचे दिख रहा है नीचे बाबू, हाँ हो गया खत्म, इतने से काम बन जाएगा, हो गया अपना, एलसीएम ले ले कॉस, कॉस एलसीएम ले ले, देखते रहो मैं मिटा रहा हूँ, देखते रहा, सेकंड मेथड बहुत इजी मेथड है, चलो कॉस एलसीएम वन प्लस साइन बचा ऊपर, क्या बचा ऊपर में, लॉग वन प्लस साइन, वन प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, वन माइनस, यहाँ गलती कर दिया मैंने, माइनस है, वन माइनस साइन थीटा, किसी दिक्कत, टच कर दो, टच कर दो, कोई दिक्कत किसी को, अब वन प्लस साइन का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, आता है फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला, क्या वन प्लस कॉस का होता है फॉर्मूला, टू साइन स्क्वायर टू कॉस का थीटा बाई टू, साइन को लिखो, वन को लिखोगे वो साइन कॉस का थीटा बाई टू प्लस साइन का थीटा बाई टू, और टू साइन थीटा टू कॉस बाई टू, ये कर लो, या तो मैं कहूंगा साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, कैसे कन्वर्ट कर दो, मुझे बहुत पसंद है फॉर्मूला, वन प्लस कॉस का होता है, वन माइनस कॉस का होता है, ठीक है, देखो ना वन प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस, टू कॉस का थीटा बाई टू, टू कॉस का थीटा, वन माइनस कॉस टू का फॉर्मूला होता है टू साइन का थीटा, कॉस में कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, हाँ मैं लिख रहा हूँ, मेरा है लेकिन तेरा है, कॉस 90 प्लस थीटा, सही गलत जल्दी बताओ, सही गलत है, अरे कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस, ओके कहो सर 90 वाला 90 वाला लिख लेंगे, माइनस वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे कॉस 10 में चाहिए, 10 में लाना है, चलो बताओ, वन प्लस कर दूं कॉस 90 प्लस थीटा, चलो ये ऑलरेडी मैंने इन्वर्स में ही सब करवाया हुआ है, बहुत डिटेल से करवाया है सब, इसलिए कहा इन्वर्स को बार बार पढ़ो, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू फॉर्मूला लगाओ, वन माइनस का फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अरे वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, तुम लोग एग्जॉस्ट कर रहे हो मुझे लग रहा है,
एग्जॉस्ट कर रहे हो, कॉस 90 प्लस थीटा क्यों लिखे आप, 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिखे, तो प्लस प्लस आता माइनस माइनस आता, मैंने ऊपर माइनस कर दिया नीचे प्लस कर दिया, इसलिए कर दिया माइनस के नीचे ऊपर में साइन चाहिए नीचे में कॉस आएगा, चाहे टेन बन जाए अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं उसे बताओ पाई बाय 2 का आधा बोलो, पाई बाय 2 का आधा बोलो, पाई बाय 4 और थीटा का आधा थीटा बाय 2 और नीचे बोलो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4 थीटा बाय 2, किसी दिक्कत, एंगल आधा करना है 2 से 2 कमाल हो गया, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, लॉग 10 स्क्वायर पाई बाय 4 ना बोलोगे थीटा बाय 2, ये तो बड़ा अजीब हो गया आंसर आ गया जी, क्या हो गया, कोई बात स्क्वायर वाला ले लेना स्क्वायर, चलो अब क्या करोगे यहाँ से बाबू, जब 10 तो छुट्टी छोड़ दिया मैंने, तो थीटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर थीटा का स्क्वायर करके इसको करके फिर थीटा निकाल के वहां पुट करना, थोड़ा बड़ा ये भी बड़ा ही हो गया, लेकिन चलो को देखते हैं कुछ और ऑप्शन कुछ और तरीका नहीं आएगा, नहीं नहीं रुको ना बता रहे हैं, इसको एक और बनाया जा सकता है बट चेन रूल लगाएंगे यहाँ से, थीटा का स्क्वायर करेंगे और डी थीटा बाई डीएक्स आएगा तो यहाँ से फिर थीटा निकालना पड़ेगा तुमको डी थीटा बाई डीएक्स, समझ देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कर देते हैं वैसे, तो उतारने लेकिन नहीं देंगे तुमको उतारने नहीं देखिए, बताओ 10 का क्या होगा फॉर्मूला बताओ, 1/10 पाई बाय 4 थीटा बाय 2 और उसके बाद 10 का क्या होगा बताओ, sec स्क्वायर पाई बाय 4 थीटा बाय 2 एंड थीटा बाय 2 का कितना हो जाएगा 1/2, हम उतारने नहीं देंगे लेकिन, एंड d थीटा बाय d बाय dx चाहिए, d बाय dx d थीटा बाय d थीटा, चलो 10 को लिखेंगे साइन बाय कॉस, कॉस पर कॉस कॉस कैंसिल 2 10 थीटा, नहीं टू पर है 4 साइन कॉस थीटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा बाबू आंसर आ जाएगा, लेकिन लंबा आ जाएगा आंसर कर ला देंगे पैसे, लेकिन लंबा हो जाएगा, कुछ और को ऑप्शन यहाँ से आ सकता है क्या, अच्छा वहाँ और प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहता तब तो यहाँ पे कॉस ना है यहाँ पे, हाँ कहीं ना हो गया यार, 1 प्लस साइन को लिखेंगे वही तरीका लिखेंगे, अब कॉस को लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, 1 प्लस साइन को लिखो साइन को लिख दोगे तुम क्या लिख दोगे भाई, कॉस 90 माइनस थीटा लिख दो या कॉस 90 प्लस थीटा लिख दो, अगर 90 माइनस थीटा लिखते हो तो प्लस प्लस लिखो और 90 प्लस थीटा है तो माइनस वाला को प्लस कर दो, प्लस वाला को माइनस कर दो, ठीक है, अब कॉस को फिर साइन 90 प्लस थीटा कर देना, ठीक है, या साइन 90 प्लस थीटा अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा, पूछ लेना हाँ चलो किसको तो भाई 10 में आएगा फिर वापस बाद में 10 में कन्वर्ट तो ही करेगा तो फिर लंबा वैसा ही होगा वही बात आएगा यहाँ तक तुम आई कटोगे वैसे भी आओगे यहाँ से बनेगा सवाल समझा यहाँ से सवाल बनेगा लेकिन क्या है प्रॉब्लम कि क्या बोलते थीटा यहाँ से थीटा को डिस्पोज में करना पड़ेगा तो लंबा हो ही गया तो उसी वही तरीके से ठीक है चलो और बोलो और कौन क्वेश्चन था एक और लास्ट उतारना नहीं है इससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है चलो कौन बोल रहे हो चौथा का पहला मिटा दे रहा हूँ मैं कौन चौथा का पहला हाँ दो जी चौथा का पहला देख लो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स और क्या आगे बोलो यही है जो मैं पूछ रही थी तब कुछ सवाल में जाने नहीं है यूनिट भी लगाओ x बाहर log x का डिफरेंशिएशन करो प्लस log x बाहर निकालो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और x को डिफरेंशिएट करो और x का डिफरेंशिएट इसको अलग करना पड़ेगा कोई दिक्कत किसी को log x का डिफरेंशिएट होता तो कितना होता है और x का कितना 1 कोई दिक्कत किसी को x x कैंसिल 1 log x माइनस 1 1 1 खत्म सवाल पांच का पहला कोई पूछ रहा है कौन कौन मारेगा तो दोबारा डिफरेंसेस हो गया था फिर डिफरेंसेस क्यों कर रहे हो एक बार जब हो गया दोबारा क्यों करोगे पांच का पहला चलो वाई इक्वल टू क्या है क्या पूछ रहे हो क्या पांच का पहला लास्ट चलो
एक और एक्स लॉग एक्स कुछ है, एक और एक्स इंटू साइन एक्स, सुनो ना, सुन रहे हो गया हो गया हो गया, खत्म, लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है, चलो करो डी बाबा। इसमें सुनो एक बात बताता हूँ, सुनो सुनो, इसमें तुमको यू इंटीग्रल लगेगा, लेकिन तुम जानते हो कि प्रोडक्ट रूल केवल दो के लिए लागू होता है, यहाँ पर तीन तीन प्रोडक्ट है, माने ये यहाँ पे तीन तीन टॉप प्रोडक्ट में है, तो क्या करो इसको यू, इसको भी बोल दो, इसको किसी को दो को है यू बोल दो, किसी एक को भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ई का और एक्स बाहर निकाल रहा हूँ, साइन एक्स लिखने का टाइम नहीं है, समझो पहले, लिखते रहना डी एक्स, अब बाहर निकालो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बाहर निकालो, ई के पावर एक्स को, कोई दिक्कत किसी को? मैंने क्या किया, इसको यू बोल दिया, इसको भी बोल दिया, यू बाहर भी को डिफरेंशिएट, भी बाहर यू को डिफरेंशिएट। अब फिर से सुनो यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें फिर से यू इंटीग्रल लगेगा, तो देखो करो साइन एक्स बाहर लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स बाहर साइन का डिफरेंशिएशन, हो गया। अंदर में डिफरेंशिएशन ऑलरेडी एक बार और करना पड़ा, और उसके यहाँ पर देखो साइन एक्स लॉग एक्स ई के पावर एक्स का क्या होगा, चलो कॉमन गुना कर दो, अंदर गुना कर दो, या एक और एक्स कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, क्या होगा आंसर, बता दो, साइन एक्स वाई एक्स, साइन वाई एक्स वाई, दिख रहा है नीचे, इसे बताओ लॉग एक्स, पहले कॉस एक्स ले देता हूँ, अच्छा लग रहा है, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, उसके बाद क्या बताओ साइन एक्स लॉग एक्स, एक और एक्स कॉमन ले चुके हैं, आंसर छोड़ देने का, कुछ नहीं हो गया, छोटा कैसे कर दिया तुम, कुछ छोटा दो स्टेप में तो बन गया, ऊपर से दे रहे हो क्या, अरे देखो ना इसको यू बोल दिया, इसको कहा बोला, बोल दिया भी, यू बाहर भी को डिफरेंशिएट, भी बाहर यू को डिफरेंशिएट, अब फिर इसमें देखा कि भी में भी मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन, फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैंने किया साइन का डिफरेंस बाहर निकाला, साइन को बाहर निकाला, लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, लॉग एक्स को बाहर निकाला, कोसाइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, हाँ दो बार यूनिट वीडियो लगेगा, ठीक है, हो गया, कोई डाउट किसी को, चलो आंसर क्या कॉमन लिया होगा यहाँ पर से लॉग एक्स, और क्या कहाँ फर्क पड़ता है, हाँ ये आंसर है, कहाँ देख लेता है, अरे एलसीएम ले लिया, सही है ये साइन एक्स बाई एक्स, गुना कर दिया अंदर में, हम कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, सही है आंसर, ओके नोट करो, चलो। सो हम लोग जो है अब डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज करके बताता हूं मैं कि लॉग जो हम लोग पढ़े वो लॉग का क्या एप्लीकेशन है, ओके सुनो सुनो मिस्टर मेरी बात सुनो, क्या पढ़े लॉग का, लॉग का कुछ फॉर्मूला से याद है क्या, लॉग एम इंटू एन क्या होता है बताओ, बता दो, कोई बता सकता है, लॉग एम प्लस एन, लॉग एम बाई एन क्या होता है, एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, अच्छा लॉग एम टू द पावर एन क्या होता है, एम टू द पावर एन, एम लॉग एन, हम लॉग एम, ठीक है सही है। ये तीन फॉर्मूला अभी बहुत ज्यादा विशेष विशेषकर यूज होगा, मैं आपका कहता हूँ, मैं सुनो मेरी बात को सुनना, हाँ बगल में आ जाएगा एन, बगल में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट बात सुनो अच्छे से बैठो। लॉग का सबसे बड़ा यूज क्या है कि डिफरेंशिएशन में, देखो मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूं, बहुत अच्छा से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, y के पावर, पहला एग्जांपल बच्चा वाला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, y टू द पावर x का पावर x है, x का पावर x है, तो इसको कैसे करोगे, ऐसा क्वेश्चन भरपूर रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, वेरिएबल का पावर वेरिएबल जहां कहीं भी रहे तो आपको वहां पे लॉग का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी कि आप इसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ ये फॉर्मूला है, देखो एक्स का पावर ए का फॉर्मूला है, ए वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला ए इंटू एक्स टू द पावर ए माइनस वन, ठीक है, फिर ए का पावर एक्स, ओके इंटू डी एक्स, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, सुनोगे, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, उसके लिए हमारे पास एक विशेष फॉर्मूला है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, इसका भी हमारे पास विशेष फॉर्मूला है, तब ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला को भी ड्राइव, अभी जो हमने फॉर्मूला आया ना कैसे, इसको भी फॉर्मूला को लॉग के हेल्प से ड्राइव किया जा सकता है, अब वो अभी मैं दिखाता हूं कैसे करना है, लेकिन जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, जैसे एक्स का पावर एक्स है, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, एक्स का पावर वाई है, वाई का पावर एक्स है, एक्स का पावर साइन एक्स है, एक्स का पावर कॉस एक्स है, या कॉस एक्स का पावर साइन एक्स है, कुछ समझ आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ,
ये सभी कौन कैसे, जल्दी बता दो, कौन बताया, कौन बताएगा ये सभी किस क्या है? सब में वेरिएबल का पावर। इस टाइप पर, इस टाइप का सवाल आपको कहीं नजर आ जाए, अंधाधुंध लॉग का कंसेप्ट यूज करो। अब कैसे करेंगे वो अभी बताता हूं। मैंने क्या बोला, पहली बात समझो कि लॉग का इस्तेमाल, मेन इस्तेमाल, मुख्य इस्तेमाल डिफरेंशिएशन में कहां होता है, जहां वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है। ओके, जो कि तुम्हारे किसने का जो टाइप टू है इसी पर बेस्ड है। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। इस टाइप के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला बउवा वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बउवा वाला, बिल्कुल बउवा वाला, x का पावर x। तो सब बच्चे का ध्यान मैं यहां चाहता हूं, क्या करना, कभी भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल लगेगा लॉग लगा दो, पहले लॉग लगाओ, डिफरेंशिएशन नहीं करना अभी, लॉग लगाओ, बोलो टेकिंग लॉग, बोलो टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोलो हाँ। लॉग लगाने से क्या फायदा होगा, जो पावर दिखाई दे रहा है वो बगल में सरक के आ जाएगा, सरक जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, पावर से टेंशन खत्म। हाँ, समझा बात को, समझा जी, लॉग लगा दिया, का बोला चट्टा अपने मन से, क्वेश्चन का है बोल दिया अपने मन से, वही तो बोला कि लॉग वहां लगाना है जहां वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा, मैंने बोल ही दिया तो फिर अपने मन से कहा गया। जब हम तुमको ना बताते कि कहां लगाओगे लॉग, ना बताते हैं, तो तुम पूछ रहे थे सर अपने मन से लगाएंगे, तब बोलते हैं, हम बता दी कि लॉग लगाना ही है जहां वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा, तो अपने मन वाली बात आई नहीं यहाँ पे। ओके, समझा, चलो अब आप क्या करेंगे, पहले को पहले लॉग का काम कर लेते हैं, लॉग वाई पावर बुका हो जाएगा, बगल में सरका दो, ओके हो गया। अब इसको धा करके डिफरेंशिएट कर दो, धा करके डी बाय डी एक्स निकालना मकसद है। हाँ, जो एक सर का डिफरेंशिएशन होता है बुड्ढी सर, देखो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर से डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग का काम करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ओके चलो, लॉ डैगलिंग करेंगे, पहली बार है इसलिए पहली बार मोहब्बत की है, सब कुछ समझ में आना चाहिए, ना तो कुछ ना समझ में आएगा, सही गलत है, चेनू लगाया गलत हो गई चुट्टी, लॉग वाई हो गई तो डिवाइस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, गलत बोल रही है चुट्टी। हाँ, एक्सेप्ट करते हैं हमेशा, अंडरस्टूड है, समझी, और यहाँ लगाओ, यहाँ क्या लगा, यू टू बी एक्स बाहर लॉग एक्स, इसमें कोई चेनू लगाने की आवश्यकता, लॉग एक्स बाहर एक्स का डिफरेंस, कोई दिक्कत किसी को, लॉग वाई का डिफरेंस बताओ। जितने भी सवाल आप बनाओगे ना वहां पे ये चीज कॉमन होगा, हर जगह लॉग वाई आ जाएगा, लॉग वाई का डिफरेंस इतना आएगा ही आएगा, 100% आएगा, 1 / d / dx आ ही जाएगा, ठीक है हमेशा। अब चलो x log x का डिफरेंस बताता हूं, यहां पर 1 / x log x, x का डिफरेंशिएशन, यहां पर log का बेस क्या है, अंडरस्टूड है, क्या है, e है, अंडरस्टूड है, वही तो निकालना है महाराज, क्या पांडे जी कमाल करते, वही तो निकालना है। अब बताओ मुझे डी वाई डी चाहिए अगर, तो हमको ये वाई को हटाना पड़ेगा यहाँ से, डिवाइड में तो उधर ले जाओ, तो बाजू में ले जाओ, वन कार्ड तो दिया मैंने, हो गया। अब जो वाई दिया हुआ था ना वाई, उसको यहाँ पर क्या कर दो, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्या समझी, नहीं समझी, नहीं समझी, वन प्लस लॉग एक्स, हाँ भाई का वैल्यू टैग पुट कर देंगे हर जगह, समझा। आज जानते हो एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन सिर्फ डिटो पूछा था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या था जानते हो, बच्चा लोग देखकर डर गया था आंसर से। अभी नहीं, पहले यहाँ ध्यान दो, अभी नहीं, तुम्हारा कोई सवाल हम समझ गया, एक्स के पावर एक्स को ना ऐसे लिख दो, यहाँ मैं उधर जगहता हूँ, उधर सब लिखने की जरूरत ना, 1 2 3 ओके चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ इस महफिल से। आंसर यहाँ छोड़ देना, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, बट किताब में क्या रहता है, ये आंसर नहीं दिया जाता है, मैंने किताब में कर रहा है कभी कभी ऑप्शन में, x का पावर x, अब 1 को लिख देता है log e, क्या लिख देता है, लिख सकते हैं, अरे log e का वैल्यू कितना होता है पता है कि नहीं, हम जब log पढ़ा रहे थे बोले थे कि log e का बेस, e बेस पर वैल्यू कितना होगा 1, अरे बेस तो अंडरस्टूड है कि ई है, लिख दो ज्यादा कर, यहाँ पे बेस क्या है, ई है, और log x कैसे लिख दो, अच्छा दिक्कत, यहाँ भी बेस क्या है, ई है, अब log m into n लगा सकते हो, log m into n प्लस में तो कहाँ चला जाएगा, ओके तो log e into, ये आंसर भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है, ये पूछा हुआ एग्जाम में, मजा आया,
आंसर यही छोड़ देंगे हम लोग, अपना काम यही तक बन जाएगा। लेकिन कभी कभी टिफिन सेट करने के बाद भी तुमको आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है कभी कभार। ओके अरे बुझे नाट, चलो एक और क्वेश्चन। हो गई गलती y इक्वल टू, अब एक बेहतरीन क्वेश्चन, पहले ऐसा करो पहले इसको उतारो बढ़िया से उतारो। ओके नोट करो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। ओके क्वेश्चन नंबर टू सुनोगे एकदम बढ़िया क्वेश्चन ले, एक बार बढ़िया क्वेश्चन ले अच्छा लेते हैं। भाई तो कर भी करेंगे, भी लेंगे, विचित्र करना थोड़ा सा। x sin x का पावर cos x, दिल है कि मानता नहीं, मजा आ जाएगा तुम्हारा, दिल खुश हो जाएगा। ए दुगो दम जोरस क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक के बाद ले लिया। ध्यान चाहता हूं मैं, यहां पे ध्यान चाहता हूं, लॉग लगाओ। पहले सभी वाले क्या करोगे, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल क्या चीज कर दो, ए क्या उसके पीछे पड़ा हुआ है, पढ़ाई नहीं करता है खाली से, समझा। लॉग लगा दे, लॉग y, हड़बड़ाना नहीं, कितना बच्चा क्या करता है, हड़बड़ा जाता है, दोनों पहले लॉग लगाओ, पूरा स्टेप क्या करो, कोई स्टेप छोड़ना नहीं है। अब आराम से अब ये बगल में सरका दो, अब बताओ और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, अभी एक डिफरेंस नहीं करना, अभी एक और पॉसिबिलिटी है कि इसमें लॉग m into n लग जाएगा, लॉग m into, हाँ ये हुआ ना, log m into n, log x plus log sin x, कोई दिक्कत किसी को, टच कर दो अरे टच कर दो ना, कोई डाउट किसी को। अब अंदर cos से गुना करके या तो u into v into लगा, इसमें भी cos से गुना, इसमें भी cos से गुना करो, या तो इसी में u into v into लगा दो, क्या इरादा है, इसमें लगा दें, वाह गुड। चलो डिफरेंस, अब डिफरेंसिएशन की बारी, किसकी बारी, अंडरस्टूड है कि डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, अंडरस्टूड है, डायरेक्टली करता है 1/y, डिवाइड तो फिक्स आना ही है, खानदानी नियम है, 1/y log y का डिवाइड x, cos x बाहर निकालो, अंदर घुस के डिफरेंशिएट करो, अंदर घुस के log x का 1/x और log sin x का 1/sin x और फिर sin x का cos x, क्या मैंने जल्दीबाजी किया क्या, तरीका ना, log x का 1/x चेन रूल लगाएंगे तो log का log sin x का 1/sin x फिर sin का डिफरेंस का हो जाएगा cos, अब फिर इसको बाहर निकालो, और x क्या है, cos ना, cos को डिफरेंस करो, cos का डिफरेंस, ओके कोई डाउट किसी को, ओके पहले ऐसे पहले सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम ले लो लेना भी नहीं आता, गुणा कर दो, cos x / x cos 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 square ना बोलोगे, cos square x / sin x, काहे नहीं बोल रहा है, अंदर बताओ, माइनस गुणा करो, माइनस है, माइनस sin x log x, यहाँ बताओ, माइनस sin x log sin x, कोई दिक्कत किसी को, कट नहीं रहा है कुछ, नहीं कटा, वाई क्रॉस कर दो, आंसर आ गया, मैं यही बाई लिख रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, बस उतार दिया मैंने, जब मुंह देख रहा है इतना गौर से, अरे cos x को 1 से गुना कर दिया, cos 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 square sin square log minus से गुना कर दिया, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, यही भी कर सकते हो, sin x को मान ले, log into लगा दो, वही फॉर्मूला, यही x sin x लिख कर छोड़ दो, क्या नहीं समझा, तो y में यहाँ लिख दो, y dy हो गया, आंसर लिख दिया, अब dy/dx तुम कर दो, यहाँ पर log sin x कर देना इसको, लो यहाँ जो मैंने लिखा था ना, क्या लिखा था इसको, माइनस लिख देता हूँ, log x sin x into क्या था ये, पहले लिख देता हूँ, sin x log x sin x, खुश, आंसर लिख दो, y का वैल्यू क्या था, आंसर आ गया, नहीं बोल गया था, लिखो तो उसको, ओके बहुत आसान है, ओके मेरे पास करो,
नोट करो, हो गया। देखो ये देखो यहाँ पे का क्या समझ आया, अरे ये log x प्लस log sin x था ना, इसको log m into n ही लिख दिया, ठीक है। अच्छा तुम कहोगे सर यहीं पर ना चेंज, मान कि यहीं को ना डिफरेंशिएट कर देता, हाँ कर देता तभी को फर्क, मान यही को तुम डिफरेंशिएट करो तब भी आंसर क्या आता, बस खाली y का वैल्यू उठा करके वहां से रखना पड़ेगा, समझा गया। तो मैंने यहाँ पर जो माइनस sin x है ना उसको इधर लिख दिया है, माइनस प्लस माइनस आई, log m into n लगा दिया, ठीक है, बाकी सब ऐसे छोड़ दिया, क्लियर। और तुम ये भी कर सकते हो cos / sin को cot लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, cot into cos लिख सकते हो, cot into, अरे cos / sin, एक cos / sin cot हो जाएगा, एक cos बच जाएगा, तो cot into, वो भी कर सकते हो। तो वो आंसर के हिसाब से तुम सेटिंग कर सकते हो। मिटा दूं, मिटा दूं, कभी जो बादल बरसे। देखो अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखो। अच्छा तुम बोल रहे थे ना एक बाय वाला, अरे कौन बाय वाला बोला था ना, बाय वाला देख लो। तीसरा एग्जांपल, y का पावर x का पावर y, ठीक है, यही है, लोग लगाओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या करोगे, log x का पावर y, बगल में लो, ब्रैकेट देना जरूरी है, लगाओ y बगल में, अब क्या कर दोगे यहाँ पर से, डिफरेंशिएट करो, log y का डिविजन, ये तो खानदानी नियम हो गया, y बाहर log x का, log x बाहर इसका y का डिफरेंशिएशन, dy/dx, अब dy/dx दो जगह आ गया, उठा के इधर लिया ना, उठा करके इसमें y का वैल्यू पुट करने की जरूरत, अरे y अकेला ना है कि y का वैल्यू पुट करोगे, आंसर वही छोड़ोगे, y के टर्म में ही आंसर आएगा, 1/y, इसको लग लाओ, लाना लाना दिख रहा आकाश, इसमें इसको रख लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस log x डिवाइड, अब बचाओ उधर, क्या उधर क्या बचाओ, बाय बाय x, मैंने बचाओ है एल्सम, डिवाइड x को ले लो, ना समझे, नहीं समझे, अरे जितनी जगह डिवाइड x आएगा, क्योंकि यहाँ पे y इधर था, y तो दोनों तरफ, दो तरफ तो तुमको डिवाइड x आएगा जाएगा, इकट्ठा कर लो, कॉमन बताओ यहाँ क्या बचाओ, 1/y माइनस log x, बाय बाय एल्सम ले लो, यहाँ पे एल्सम ले लो, 1-y log x, y is equal to y, क्रॉस करके गुना करके आंसर लिख दो, आंसर आ गया, नीचे दिखेगा आकाश, नहीं दिखेगा, तो लिखो ना अगला स्टेप आंसर, देयरफॉर dy dx is equal to, इसको ले जाओ y नीचे से, y y y स्क्वायर, y स्क्वायर नीचे, तो ऊपर हो गया y स्क्वायर, नीचे हो गया x, 1-y log x, कोई दिक्कत, बट्टा भी डाल दिया, हाँ छोड़ो ना, हो गया ना, एक और एग्जांपल देखो, नहीं नहीं फिर लास्ट, अभी बहुत तरह का टाइप का क्वेश्चन है, हड़बड़ा क्यों रहे हो, अब एक क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी सबका ध्यान है, मैं यहाँ चाहता हूँ, अब ध्यान चाहता हूँ यहाँ पे, पहले सब इसको उतार लो, उतार लो, वीडियो पॉज करो, हो गया चल रहा है, मिटा दो इसको, 1, 2, 3, 4, ओके चलिए सुनो 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 बात नहीं करो, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आसान क्वेश्चन भी है, x टू द पावर log x एंड log x का पावर, अक्सर बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन दो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, सुनो ना, log x का पावर x, देख रहे हो ये अलग अलग टाइप का, सुनो सब बच्चा, यहाँ पे log नहीं लगा सकते, ऐसे बर्बाद हो जाओगे, इधर भी लाओ बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि प्लस है बीच में, प्लस का कोई फॉर्मूला है नहीं, गुना में रहता तो तुम लॉग लगा देते, तो इसके लिए क्या करना, इसको तुम दो सवाल समझना, इसको एक अलग सवाल समझना, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, और इसको अलग सवाल समझना, और दो सवाल को अलग अलग करके लॉग लगा करके बना लेंगे, बाद में जोड़ देंगे, समझ बात को, बताता हूँ कैसे, इसको वाई ले लेंगे, इसको यू मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यू, इसको क्या मान लेंगे, ये नहीं बोलो, लेट कर लेंगे लेट, समझा, ये फंक्शन यू है, ये फंक्शन, आप डिफरेंस करो, डिफरेंस करो, डी वाई, अरे बोलो ना, डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी यू वाई, ये क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, अब क्या करेंगे, यू को अलग डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एक्स लाएंगे, भी को अलग डिफरेंशिएट करके डी वी वाई डी एक्स लाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे बाद में, चलो लिखो, यू बराबर होता, दो सवाल हो गया ये, एक्स का पावर लॉग एक्स, कोई दिक्कत, हाँ अब ध्यान चाहता हूँ मैं, सब बच्चा का, सब बच्चा का, यहाँ पर अब इसको ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये तो यू को अलग कर देंगे और भी को
अलग कर देंगे, दो सवाल बन गया ये। चलो आप चलो करो, लॉग लगाओ, आप लॉग लगा सकते हो, आप लॉग लगा सकते हो, लॉग लगाओ, लॉग यू, यहीं पे बच्चा गलती करता है। एक अपनी तरफ से लॉग लाएंगे तो वो अलग है, क्वेश्चन का लॉग अलग है, सो कन्फ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। ये अपनी तरफ से लॉग लाएंगे, अब बताओ पावर कौन है, पावर कौन है, अरे पावर कौन है, पावर क्या है, बगल में लो, ये क्या बच गया, या तो लॉग इनटू लॉग एक्स रख दो या लॉग एक्स का होल स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, या तो इनटू भी लगा देंगे, अच्छा रहे हम इनटू भी लगा दें, डिफरेंशिएट करें, यू का डिफरेंस लॉग यू का डिफरेंशिएशन वन बाई यू, और ये डी यू आई एकदम वाई की तरह, क्लियर। अब इसमें यू इनटू भी लगा दो, लॉग एक्स बाहर नहीं, यू इनटू भी लगा दो, लॉग एक्स बाहर निकालो और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर ये लॉग एक्स बाहर निकालो और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, अब तुम अगर ऐसे करते लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखते सर के, सुनो अच्छा से, लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिखते ऐसे, तो फिर चिन्ह लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता, टी लॉग एक्स बार, तभी बात सेम ही पड़ता, ये टू लॉग एक्स आता फिर बनवा एक्स था, टू लॉग एक्स तो हो गया, हो तो गया टू लॉग एक्स, अरे दोनों सेम ही ना आ गया, टू लॉग एक्स आ बनवा एक्स आ गया ना, समझे, बात सेम ही पड़ता है। यू को क्या कर दे, यू का कर दे, यू तो हमेशा क्रॉस होना है, यू क्रॉस करो, अब बताओ कितना कर दें, टू लॉग एक्स बाय, कोई दिक्कत, अरे टू लॉग एक्स, लॉग एक्स लॉग एक्स क्या है, लॉग एक्स बार बाय एक्स कॉमन ले लो तो टू लॉग एक्स बाय एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब यू का वैल्यू चुपचाप ला कर, यू क्या था, रखो यहाँ नीचे दिखेगा, बस कट गया, अब छोड़ो डर, तरह क्या है दिमाग खर्चा करना, जगह है तो डी यू बाई डी एक्स, अब बताओ यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू एक बार बताए तुमको, कभी कभी तुमको आंसर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जवाब देता हूँ उनको, जवाब जवाब ध्यान दो, जवाब चाहता हूँ मैं, जवाब देता हूँ, एक्स लॉग एक्स बाई कितना एक्स है, इस एक्स को यहाँ ना लिखे यहाँ लिखो, नीचे में एक्स है ना, टू एक्स यहाँ लिख दो, टू लॉग एक्स कैसे है, जैसे ऐसे है, चर्चा नहीं करना, डिफरेंशिएशन का काम हो चुका है, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट किताब में आंसर नहीं मिलेगा तो तुम लोग सर पटकोगे, क्यों नहीं मिलेगा बताता हूँ, वही हाथ रहो जी, समझा। अब बताओ x का पावर अभी कितना है यहाँ पे, ऊपर x और कितना है, तो लिख सकते हो उसको ऐसे, ऐसे लिख सकते हो x का पावर log x माइनस वन, अरे बेस से में तो पावर घटा सकते हो, ये वन ये log पावर है, घटा सकता है, ये टू log x को जैसे है हो गया, ये डी वाई डी एक्स आ गया, अब आप किसको डिफेंस करोगे, भी वाले को करो, एकदम सेम 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 स्टाइल, सेम स्टाइल, एंड बोलो नाउ, एंड भी बराबर क्या, भी बराबर लॉग एक्स का पावर, ये था ना, अब इसको चिन्ह लॉग लगाओ, डायरेक्ट लगा दे लॉग, जल्दी बाजी मत करना, बच्चा यही गलती करता है, यही गलती करता है, यही बच्चा गलती करके आता है ऐसे, ठीक है, ये पावर, पावर कौन है, एक्स है, बगल में लो, एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, नहीं लॉग एक्स का होल स्क्वायर कर दोगे, बर्बाद कर दोगे यहाँ पे, लॉग का ही एंगल हो गया, यानी कि आर्गुमेंट हो गया लॉग एक्स, ठीक है जी। चलो आप लगाओ लॉग, ये लॉग के लिए है, ये एंगल का काम करेगा, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो किया मैंने, यहाँ पे ये लॉग तो बगल में आ गया, एंगल का काम कौन कर रहा है, एक्स, तो यहाँ एक्स लिखा गया, अब लॉग एक्स, लॉग एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हो, बट वहाँ पर नहीं, ठीक है, तो फर्क है दोनों में, लॉग बी का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ, डेक्ली करते हैं इस बार, एक्स बाहर यू भी लगेगा, ये यू ये पूरा, अब आराम से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, तो ये पूरा एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स का काम वन बाय लॉग एक्स, किसी दिक्कत आए, अरे बोलो रे, अरे चेन रूल लगाएगा ना, तुम अपना घर में पूरा स्टेप करना, नीचे का दो, नीचे का दोगे, अब फिर इतना से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करो, फिर लॉग एक्स का वन बाय एक्स ना आएगा, समझा रहे लड़का, ए समझा, तो लॉग एक्स का बन बाय लॉग एक्स, मैंने लॉग के एंगल में कितना है, लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स को करो वन बाय एक्स, प्लस प्लस करो, अब ये पूरा को बाहर निकालो, लॉग लॉग एक्स बाहर निकालो, ओके एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ना समझे, समझा, अब ये भी को क्या करोगे, भी को क्या करोगे, ई एक्स ई एक्स, चलो डी बी बाई डी एक्स, बी क्रॉस करो, बी क्रॉस करो, एलसीएम ले लो, लॉग एलसीएम ले लो, वन
log x into log of log x बट्टा एलसीएम कितना आया? एलसीएम तुम्हारे बुक में एलसीएम लिया भी होगा नहीं भी लिया होगा, कुछ सवाल में लिया होगा कुछ सवाल में तुम छोड़ सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जिसमें डाउट होगा मुझे चेक कर, समझा कर क्या मैंने क्या किया बता तो? अरे ये लॉग यहाँ पर वन बाई लॉग एक्स बचा ना, लॉग एक्स क्रॉस करके लॉग कर दिया। अब भी का वैल्यू रखो, भी का वैल्यू रखो, भी क्या था बताओ, भी क्या था नीचे दिखेगा जी, नीचे दिखेगा भी का वैल्यू बताओ, भी का वैल्यू लॉग एक्स का पावर एक्स, एक लॉग तुम्हारे पास नीचे भी है, नीचे देखो नीचे क्या है, इसका पावर कितना है वन है, घटा देंगे बाद में आंसर लिख दो अंदर में वन। यहाँ पे मिक्स नहीं कर देना दोनों को, लॉग लॉग का लॉग स्क्वायर कर देना, ये अलग है वो अलग है। अरे एलसीएम वाला गुना हुआ था वहाँ पे, समझा नहीं है, एक स्टेप नीचे दिखाएगा, एक स्टेप। अब खाली क्या करना है कि इस पावर को x माइनस वन कर देना है, वैसे मैं ना कोई बात नहीं हम लिखते हैं, रुको ना, लॉग x का पावर x माइनस वन, बाकी अंदर में मैं कर देता हूँ उसको सेट, क्या कोई दिक्कत, समझा गया, कोई बात नहीं है। ये हो गया तुम्हारा v वाला, ये हो गया डी वी बाई डी एक्स, क्या हो गया डी यू बाई डी एक्स, कहाँ गया डी वाई डी एक्स, ये इन दोनों को जोड़ देंगे आंसर, ये एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, क्वेश्चन वन मान लेंगे, ऐसे पुट कर देंगे मन में आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। अब चलो मैं सही कर देता उसको, करो हल्का सा कट गया, हल्का का कटा पूरे कट गया है, आप सही, चलो लिखो तुम लिखो, हो गया दो जी, देखो यहाँ तक मैंने बता दिया था, कौन नहीं समझाया, क्या नहीं समझाया बाबू, देखो तो मैं इसको पहले मिटाऊंगा, नहीं इसको नहीं मिटाऊंगा, इस इधर वाला मिटा देता हूँ। ए मिस्टर क्या नाम है उसका, ए अरमान, दिल के अरमान आंसू में बह गए, देखो यार लॉग एक्स का पावर एक्स, लॉग एक्स का पावर वन, अब यहाँ पे बेस से मतलब बेस का घटा दोगे, घटाओ भाई उस स्टेप को मैं आगे कर रहा हूँ, यहाँ से डी बी बाई डी एक्स बराबर दो, कौन ये नहीं समझने आया था, अरे लॉग एक्स नीचे था ना ये, इस लॉग एक्स को मैंने नीचे लिख दिया, और ये लॉग एक्स भी का वैल्यू, भी का वैल्यू, भी क्या था, इससे कौन भी बोलेंगे लॉग एक्स और एक्स, अभी पावर घटा सकते हो बेस सेम है ना, तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये फायदा तुमको नहीं भी करना है एनसीआर, तुम्हारे बुक में ये भी आंसर हो सकता है कैसे ना मिले, एनसीआर में हर सवाल में ऐसे कर दिया, ठीक है पावर घटा देता सीधे, करो क्या हो गया बताओ, log x का पावर x माइनस वन, बाकी अंदर बताओ वन प्लस log x इंटू log इंटू log x, को दिक्कत सावधानी बरतना यहाँ पे, हो गया ही डी यू आई डी एक्स भी निकल गया, डी यू आई डी एक्स भी निकल गया, अब हमको क्या चाहिए बताओ, एक क्वेश्चन वन को लिखो, हमको क्या चाहिए डी वाई वाई डी एक्स, चलो डी वाई डी एक्स वाले बताओ, डी वाई डी एक्स का बताओ, वहाँ से पहले टू लॉग एक्स लिख देता हूँ, टू लॉग एक्स इंटू एक्स का पावर लॉग एक्स माइनस वन, ये हो गया डी वी डी यू आई डी एक्स, डी वाई डी एक्स वाले बताओ, ये वाला हो गया आंसर, खत्म खत्म, अब मुका देख रहे हो गया हो गया, हाँ ये छोड़ना कुछ करना ही नहीं है इसको खत्म, इसे मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड मान लिया था इसको, कि डी वाई वाई डी एक्स निकालना था, डी वाई डी एक्स वाले निकालो, डी वाई डी एक्स वाले निकालो, तुमको ऐड कर दो, ठीक है चलो वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, अरे ये इसको नहीं उतारना, पहले का ऐसा शुरू वाला है ये, इसके बाद कैसा ये है, तुम ये पूछे कहाँ से आया डी वाई डी, ये डी वाई डी एक्स था ना यहाँ पे, डी वाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ निकाल चुके, ये निकाल ना, हम टू लॉग एक्स को पहले लिख दिया मुझे अच्छा था इसलिए, क्लियर हो गया, अब बाकी डी वी आई डी एक्स का वैल्यू ये तो निकाले पुट कर दिया, समझा, अब एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं, मिटा दूँ मैं इसको, वन टू थ्री, ओके ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अभी एक चीज़ और बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर फाइव समझाऊंगा बनाऊंगा नहीं, आप बनाऊंगा नहीं, सुनो 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 तो बट सुनो तो बट, एक्स का पावर साइन एक्स, और ये क्वेश्चन मान लो कि एक्स स्क्वायर, सुनो ना सुनो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्वेश्चन तुम्हारी किताब का है, सुनो यू मानोगे इसको भी मानोगे एकदम से, इसमें तो लॉग लगेगा बट इसमें लॉग लगाने की कोई जरूरत, पूछो क्यों, यू वाई वी लगा देंगे सवाल बन जाएगा, यू वाई वी रूल, और यू करेंगे इसको यू करेंगे तो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो है, और भी करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, हमको डी वी आई डी एक्स है ना, तो इसमें यू वाई वी रूल लगा देंगे, डिवाइड रूल, लॉग लगाने का जो लॉग भी लगाओ तो लॉग में लग जाएगा पूरा, फिर वही पहुंच जाओगे, तो लॉग लगा भी दो तो बन जाएगा, लेकिन
बिना लॉक लगाए जब बन रहा है सवाल तो लॉक क्यों लगाएंगे, समझा रहा है? समझा? तो ये तुम्हारा यू आई वी रूल लगा दो, इसमें यहाँ से डी वाई डी एस निकालो, यहाँ से डी वाई डी एस, तरीका वही रहेगा फोर के जैसा, क्या रहेगा? बट दोनों में लॉग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे दोनों में वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा तो दोनों में लॉग लगा दोगे। चलो ये हो गया, अब एक और क्वेश्चन दूंगा, खाली समझना, एक और क्वेश्चन, पांचवा नंबर में कर रहा हूँ। एक्स का पावर एक्स, एक्स का पावर वाई, वाई का पावर एक्स, देख के डर लग रहा है, एंड एक्स का पावर ए, या ए देता हूँ, रुको ना, एक्स का पावर ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर ए, लो ए का पावर, ये क्वेश्चन है, बड़ा देख के डर लग रहा है ना, बड़ा आसान है। इसको यू बोल दो, इसको भी बोल दो, इसको डब्ल्यू बोल दो, इसको जेड बोल दो, माने चार चार बार तुमको करना पड़ेगा अलग अलग। हाँ सुनो ना, कर दो दो करके नहीं आएगा गलत, फिर लॉक कैसे लगेगा, प्लस में है ना सब, गलत हो जाएगा ना। इसको यू बोल दो, इसको भी बोल दो, इसको डब्ल्यू बोल दो, इसको पी बोल दे, पी बोल दो, बी डब्ल्यू यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चलो यू बी डब्ल्यू जेड कर देते हैं, हटा। इसको ए का पावर एक कॉन्स्टेंट है, इसका कोई टेंशन है ही नहीं, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, डिफेंस करो डिफेंस करो, अरे यू के बदले पर रख दिया एक्स का पावर एक्स, करते ना यू को करो डिफेंस, क्या करो डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स, आई बराबर क्या हो गया। अब बस मुद्दा ये कि हमको डी यू आई डी एक्स चाहिए, डी वी आई डी एक्स चाहिए, डी डब्ल्यू आई डी एक्स चाहिए, डी जेड वाई डी एक्स चाहिए, है ना, सबको ला कर यहाँ कर देंगे, पुट कर देंगे, और वहाँ पर से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जितना भी डी वाई डी एक्स आएगा। चलो पहले पहले क्या बताओ, पहले बताओ यू बराबर क्या है एक्स और एक्स, इसका ऑलरेडी हम लोग डिफेंस क्यों किया, पहला सवाल, पहला सवाल डायरेक्टली कर दें, लॉग लाओगे तो बन जाएगा, बना लो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, डी वाई डी एक्स, एक्स का पावर एक्स, वन प्लस लॉग एक्स, पहला सवाल, ये हम इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। अरे एक्स का पावर एक्स पहला सवाल सेम बनाओगे, तुम लोग छोड़ना नहीं है, तुमको पूरा स्टेप करना पड़ेगा, ओके समझ आ गया। अरे पहला सवाल यही था, मुझे देख रहा है, हाँ उसके बाद भी भी बराबर मान लो, भी बराबर कि भी किसको बोला, एक्स का पावर वाई का सवाल तो अपने बनाया था, देखो अभी दूसरा नंबर, दूसरा सॉरी चौथा चौथा तीसरा या चौथा, एक्स का पावर वाई था ना, था ना, था ना, डेली कर दे क्या, छोड़ो हटा कर दे, कर दे चलो, ये तो सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, भी बराबर एक्स का लॉग लगा, लॉग लगा, इसमें लॉग लगा दो, सुनो मैं इसका जगह छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा काम है इसका काम करना, इसका जगह छोड़ रहा हूँ, डॉट डॉट करके तुम पूरा करना मुकम्मल आंसर ला रहा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ भी का बराबर एक्स का पावर वाई, इसको मैं लगा देता हूँ, लॉग लॉग लगाओ, लॉग भी वाई बगल में ले लें, ले ले वाई बगल में, लॉग भी का डिफ्रेंस बताओ, डिफ्रेंशिएशन बताओ, वाई बाहर लॉग एक्स का वन बाई एक्स, लॉग एक्स बाहर बोलो ना, वाई का डिफ्रेंस बता सकते हो, डी बाई वाई डी एक्स, भी क्रॉस करो, भी को क्रॉस करो, भी का वैल्यू, भी का वैल्यू वाई बाई एक्स, लॉग एक्स, डी बाई वाई, अंदर गुना करो, अंदर गुना करो, बाद में करेंगे गुना, रेंदो रेंदो अभी रेंदो, ये हो गया, क्या निकल गया, डी बाई डी एक्स, आपका करेंगे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, मुझे इश्क है तुमसे मेरे जान ने जिंदगी मेरे प्यार, बताओ डब्ल्यू बराबर क्या है, डब्ल्यू बराबर, अब इसमें लॉग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट का पावर सॉरी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, एक्स का पावर एन का फॉर्मूला, फॉर्मूला कोई लॉग लगाने की जरूरत नहीं, तुम लॉग धोखा से लगा भी दोगे ना तब भी आंसर उतनी ही आ जाएगा, क्या होगा एन मल्टीप्लाई में क्लियर गया, और जेड बराबर था, जेड बराबर क्या है वेरिएबल का कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, इसमें भी लॉग लगा सकते हो, आंसर मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, डी जेड बाई डी एक्स, ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, अगर तुमको शौक है लॉग ए, लॉग एक्स नहीं लॉग ए, तुम लॉग लगाओगे आंसर उतना आ जाएगा, हो गया, सब वैल्यू को ला करके चुपचाप चुपचाप एक क्वेश्चन वन में पुट करो, चल पुट करो, पुट करो, बताओ डी डी वाई डी एक्स का क्या निकला, डी वाई डी एक्स का वैल्यू बताओ, डी वाई डी एक्स का, डी वाई डी एक्स का ये वाला ना बोलोगे, लिख रहे हैं हम, थक रहे हो तुम लोग, वाह क्या दुनिया आ गया है, क्या दुनिया आ गया है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं करण अर्जुन का कहानी,
चलो चलो उसके बाद डब्ल्यू वालो डी डब्ल्यू आई डी एक्स वालों को बंद करना, उसको बड़ा करना है। डी डब्ल्यू आई डी एक्स कराया, डी डब्ल्यू आई डी एक्स ए एक्स का पावर ए माइनस वन, इसका बोलो ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए बराबर। इसमें पूरे में कई बार डी वाई डी एक्स आया क्या, पूरे में डी वाई डी एक्स कहीं आया है, कहीं ना आया, कॉमन लेना उसको हटा कर अकेला करना, वही ना डी वाई डी एक्स आया, मुझे अपने आप आया। चलो करो डी वाई डी एक्स अकेला गुना करो, गुना करो उसको इकट्ठा कर देता, एक्स का पावर वाई से गुना कर दो, एक्स का पावर वाई से उसमें गुना करो, हो गया। बाकी सबको उठा करके बोलो उधर माइनस एक्स का पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स ए का पावर माइनस वन ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, कुछ नहीं करना है, खत्म सवाल। बट्टा बट्टा बट बट डी वाई डी एक्स को क्या करना है इसको नहीं बताओ, पावर घटा सकते हैं क्या, अरे ये बेस सेम है ना, तो पहले वाई लिख दो, पहले वाई लिख दो मैं वाई एक्स का पावर वाई माइनस, इतना गौर से देखो जैसे खा जाओगे वाई है ना, एक्स नहीं लिख दो, पावर बेस से में तो पावर नहीं घटेगा, ठीक है। चलो अब बताओ यहाँ बताओ, इसको उठा कर ले जाओ, उधर ले जाए क्या, उधर के बाद उठा करके सीधा ले, बताओ यहाँ बताओ एक्स का पावर वाई लॉग एक्स डी वाई डी एक्स, इसको लिखो माइनस एक्स का पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ओके ए एक्स का पावर ए माइनस वन ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए, देख रहे जी आकाश। चलो इसको बट्टा में डाल दो, कहाँ गया इसको, अच्छा ये भी बचा ना, ये वाला भी तो गया, ये वाला भी गया उधर उधर गया, माइनस एक्स का पावर वाई माइनस वन, पहले वाई लिख दो वाई एक्स का पावर वाई माइनस वन, आंसर लिख दो, अब इसको बट्टा में डाल देना, कहाँ डाल देना, हो गया आंसर खत्म, खाली ये बट्टा में जाएगा और वो ऐसे रहेगा माइनस वन जैसे लिखा हुआ है, कुछ छेड़छाड़ करना, बड़ा कैलकुलेशन मैंने किया, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जानबूझ के मैंने लिया था, ओके। बस यहाँ से क्या निकालना मुझे, डी वाई डी एक्स निकालना है, और ये ऊपर वाला पूरा लिखाएगा, ऊपर वाला पूरा लिखाएगा, ये पूरा पूरा लिखाएगा, ये पूरा लिखाएगा, ये पूरा लिखाएगा, इतना ठीक है, ये खाली बट्टा में चला जाएगा, समझे बात को, हो गया आंसर खत्म, उतारने की जरूरत नहीं, ओके चलो ओके ओके सब दिख रहा, खाली पीछे टैप कर दो, ओके जी। देखो जी ये देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन सब है एंड तुम्हारे बुक का, ओके। तो देखो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, लॉग लगाना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे इसको यू बोलेंगे, इसको वी बोलेंगे, चलो यू ले लो पहले, वाई इक्वल टू यू, वाई मैंने मान लिया है, वाई नहीं दिया हुआ था, वाई को मानना पड़ा, ये यू भी डिफरेंशिएट करो डी बाय वाई, तो यू को अलग डिफरेंशिएशन और वी को अब डी यू आई डी वी निकाल के, डी वी आई डी एक्स निकाल के, डी यू आई डी एक्स और डी वी आई डी एक्स निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलो पहले पहले स्टार्ट करो, यू बराबर क्या मानो, यू बराबर किसको बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और यही ना है, दो दो लॉग लगाओ, देखो ना आप तो देखो तब यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे बगल में पावर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लॉग ए, अब यू इंटू भी लगा दो, लॉग ए यू का डिफरेंस बताओ, लॉग यू का वन बाई यू डी यू आई डी एक्स, बहुत आसान है देखते रहो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लॉग एक्स का डिफरेंस बताओ, वन बाई एक्स, अब लॉग एक्स बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा थ्री टू एक्स, और थ्री का जीरो, कुछ कॉमन ले लो आंसर आ जाओ, करो यू क्रॉस करता है, अरे यू क्रॉस करता है भाई, आंसर नहीं मिला हुआ सेटिंग करने में, ओके हम बता रहे हैं यू का वैल्यू बताओ, यू का वैल्यू क्या, एक्स का पावर एक्स माइनस थ्री, यू डायरेक्टली क्रॉस कर दिया मैंने, यह क्या अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई एक्स टू एक्स इंटू ई इंटू है वो अलग है लॉग एक्स, हो गया यहाँ छोड़ सकते हो, दिक्कत नहीं है, अब तुम यहाँ से एल्सियम लो, एक्स का पावर घटा भी सकते हो, ये दिया आंसर का ये पे कि यह पावर घटा दिया एल्सियम लेकर के, कुछ भी कर लो कॉमन ले लो, ये आंसर हाँ ये छोड़ दिया आंसर भी, तो और कहाँ कुछ है इसमें, कुछ जान ही नहीं है, और एनसीईआरटी का किया कि एल्सियम लेकर एक्स को यहाँ गुणा कर दिया है, ओके उसका यहाँ पर एक पावर यहाँ पर एक्स नीचे आया ना, तो पावर एक लेकर घटा दिया तीन से एक, समझा ये हो गया यू, भी वाला होता भी वाला भी कितना बताओ, भी कितना भी वाला होता, भी इज इक्वल टू क्या, एक्स माइनस थ्री का क्या है एक्स स्क्वायर, अरे बोलो ना लॉग भी लॉग एक्स स्क्वायर बगल में ले लो, अंदर क्या बचा लॉग में, लॉग के ब्रेकेट में क्या बचेगा, लॉग का आर्गूमेंट, लॉग का आर्गूमेंट ए माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, लॉग भी का डिफरेंस बताओ, मतलब भी डी बाई डी एक्स कितना आसान है, यूनिट भी लगाओ एक्स स्क्वायर बाहर लॉग एक्स का डिफरेंस बताओ, एक माइनस थ्री और एक्स का डिफरेंस वन थ्री का जीरो, और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस थ्री को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर का दिख रहा आकाश आगे देखिएगा, एक माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंस सर टू एक्स, कोई दिक्कत आप सॉल्व कर लो, भी को क्रॉस कर दे और भी का वैल्यू रख दो, भी का डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ, एक्स माइनस थ्री का
एक्स स्क्वायर भी क्रॉस होगा ना, तो भी यहाँ लिखा गया तो उसका वैल्यू रख रहा हूँ। अब अंदर बताओ यहाँ का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री, ये टू एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री हो गया आंसर। ये दिया हुआ आप दोनों को वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर डी वाई डी एक्स, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आंसर पक्का पक्के एक्जैक्टली मिलने को जरूरी है। मेन बात हो जाना चाहिए, पता ही कितना निकला, इसको रख रख दो एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और क्या जवाब बता दो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई एक्स टू एक्स लॉग एक्स प्लस प्लस ही वाला। बहुत आसान चैप्टर है ये, लॉग का थ्योरी पूरा देने के बाद तो अब धुआं धुआं उड़ जाना चाहिए। हो गया खत्म सवाल, कोई डाउट किसी को नोट कर लो। हो गया चलो जिसमें मिटा देना, क्या करोगे वैल्यू यहाँ रख दिया आंसर आ गया सीधे, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता, लॉग लगाओ काम बन जाएगा। एक है क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या जी बाबू ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारा उल्टा पूछ दिया है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सेवन पहले पूछ दिया सिक्स बाद, कोई बात नहीं बताता हूँ, सुनो बात नहीं करो। सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, सुनो जी आ जाओ आ जाओ। देखो वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का पावर क्या है एक्स, और ये क्वेश्चन देखो जी एक्स साइन एक्स का पावर लाइट आ गया, लाइट आ गया, हाँ आ गया, कर लो फाइन ऑन कर लो, ऑन कर लो, चलो ठीक है ऑन कर लो। देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो क्या करो पहले क्या करोगे, वाई इक्वल टू यू प्लस वी डी वाई बाय डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, सब में यही स्टेप करो, ज्यादा अलग अलग नहीं करना स्टेप। हो गया अब यू को अलग करना है, एक्स कॉस एक्स का पावर लॉग लगाओ, लॉग लगाओ, जल्दीबाजी करने में क्या होता है तुम लोग पूरा स्टेप क्या करोगे, जल्दीबाजी में बहुत बच्चा गलती करता है, ये पावर बगल में और लॉग का आर्गुमेंट बनेगा का, हम लोग एम प्लस एन नहीं लगाएंगे, ठीक है लॉग एम इन टू एन का फॉर्म लगा होता है, लॉग एम प्लस एन नहीं लगाएंगे, मैसेज छोड़ देंगे, ठीक है समझा, इसी को चिन्ह लगा देना, लॉग यू, लॉग यू डिफरेंशिएशन बताओ, लॉग यू का डिफरेंशिएशन डी यू आई डी एक्स आए, चलो यू आप बताओ यहाँ पर क्या करोगे, एक्स बाहर लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स लॉग का जो आर्गुमेंट है वो डबट्टा में, फिर यू टू बी एक्स बाहर निकालो, एक्स बाहर कॉस का माइनस साइन, अरे माइनस साइन ना, एक्स बाहर निकाला कॉस का माइनस साइन, कॉस बाहर निकालो एक्स का वन, तो ये क्या क्या एक्स बाहर निकाला लॉग को, लॉग का डिफरेंस किया करेक्ट है, अब लॉग एक्स कॉस का एक्स बाहर निकालो, नीचे लिख रहा हूँ मैं जगह नहीं, हो गया कोई दिक्कत किसी को, उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स 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 खलास काट रहा हूँ मैं एक्स एक्स को, बचा क्या बताओ, तो ये कॉस अंदर डिवाइड कर देगा, अब बाबू अंदर माइनस एक्स कॉस साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स, और ये कॉस कॉस कैंसिल वन, प्लस प्लस बताओ कितना है लॉग एक्स कॉस एक्स, कोई दिक्कत किसी को, यू क्रॉस कर दें एक लाइन दिखेगा जी, नीचे भी दिखेगा यू, यू का वैल्यू बताओ, यू का वैल्यू अब बताओ, इसको पहले लिख दो प्लस वाला, पहले लिख दो अच्छा लग रहा है, पहले वन लिख दो वन 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 वन, वन प्लस कहाँ से आ गया, अच्छा कट गया था, हाँ वन वन प्लस लॉग एक्स कॉस या टेन लिख दो पहले, वन माइनस एक्स टेन एक्स, ये बात क्यों कर रहा है एक्स माइनस टेन एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, यही है हो गया कि ना, हो गया कितना इजी हो गया, अरे हो गया। अब भी में दिक्कत है तुमको, किस में दिक्कत है देखो भी में कैसे करें, भी बराबर क्या बताओ पावर कितना दिख रहा है कहा सुपर में देखो तो, चलो लो 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 डायरेक्टली करें वन बाय एक्स बगल में लॉग एक्स साइन एक्स, यहां भी यू इंटू बी रूल लगा दो, डिवाइड रूल क्यों लगाओगे, डिवाइड रूल में थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, यू इसको यू बोल दो इसको भी बोल दो सेम वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे, लॉग बी का डिफरेंस बताओ, कोई दिक्कत
एक्स बाहर बन रहा है, एक्स बाहर लॉग का बोल, लॉग का डिवाइड में एक्स साइन एक्स जो भी लॉग का आर्गुमेंट होगा डिवाइड में। अरे इतना समझते हो, नहीं समझते हो, भूल रहे हो इस बात, चेन रूल आता ना अब एक्स साइन एक्स, और एक्स साइन एक्स को अंदर करो जाकर, घुस के करो अंदर, एक्स बाहर साइन का कॉस, साइन बाहर एक्स का वन, को दिक्कत दिख रहा है ना। चलो उसके बाद क्या करो, ये लॉग कॉस बाहर निकालो, प्लस दे रहा हूँ मैं, लॉग एक्स साइन एक्स बाहर निकालो, अब वन बाय एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, को दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक्स नहीं कटेगा, एल्स अंदर गुणा करो, भी क्रॉस कर देंगे, चलो डी वी आई डी एक्स, चलो भी क्रॉस कर दो, भी का अनुग्रह हो गया, एनसीईआरटी में ना आंसर एक पावर घटा देता है, एल्सम नहीं कटेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट, तो कॉट एक्स बाय एक्स, कॉट एक्स बाय, और ये दो डायरेक्शन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एक एक्स कट जाएगा, और वहाँ वही साइन साइन कैंसिल, बन बाय एक्स स्क्वायर, बन बाय एक्स स्क्वायर, एल्सम ले लोगे, बन बाय एक्स स्क्वायर, अरे क्या बचा, माइनस लॉग दिख रहा कस बाय एक्स स्क्वायर, दिख रहा है कट गया, एक्स स्क्वायर एल्सम ले ले, ये कहां से आ गया, जो भी था भी क्रॉस होकर भी का वैल्यू उठाकर रख दिया, एल्सम बोलो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ना एल्सम है, छोड़ो ना आंसर लिख दो, नहीं हो गया छोड़ दो, अब आप कैलकुलेशन यहां भी छोड़ सकते हो, दिक्कत नहीं है, बताओ आंसर बताओ, एक्स कॉट एक्स, एक्स कॉट एक्स वन माइनस एक्स साइन एक्स बाय, हो गया आंसर, ये ना खत्म सवाल, अब दोनों को क्या कर दो, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लिखो इसका आंसर, ये वाला कहना था, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत, आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिलना चाहिए, कोई ही नहीं है, एग्जाम में थोड़ा आंसर दिया रहेगा, क्या होगा एक्स, क्या बोलो बाबू, सेम ही आ रहा है, तो इत्तफाक हो गया, क्या हो गया, लॉग एक्स कॉस एक्स, प्लस प्लस बताओ, एक्स साइन एक्स का पावर वन बाय एक्स, कहना टफ नहीं है, बहुत इजी है, एक्स कॉट एक्स वन माइनस लॉग एक्स साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, खत्म हो गया, उतार लो, बड़ा आसान है, मैंने सॉल्व कर दिया, अच्छा क्वेश्चन, उतारो इसको, हो गया, देखो जी यहाँ पे तुम पूछा था ना, देखो ये लड़का चेन रूल लगाओगे ना, लॉग के लिए एक्स कॉस एक्स नीचे देते हैं, फिर एक्स कॉस से मल्टीप्लाई करते, तो एक्स कॉस को ना इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्स बाहर सब कॉस का माइनस साइन, फिर साइन कॉस बाहर एक्स का बाहर, समझा। चलो अब एक दो क्वेश्चन और है जो कि उसी टाइप का है, आंसर भी दिया हुआ, हिंट खाली कर देता, 19 20 19 19 के फर्स्ट, चलो ये बात नहीं करो जी, y इक्वल टू दिया हुआ है, इतना आसान है, देखते रहो, रूट फोर एक्स प्लस थ्री, हाँ उसके बाद 3x + 1 का होल स्क्वायर, देखो कितना आसान है, ये सवाल को तुम अगर सीधा बनाने जाओगे बड़ा दिक्कत होगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा, अगर तुम रूल लगा गया, डिवाइड रूल या गुना वाला रूल, आज इसको लॉग लगाओ, लॉग लगाओ, पहले क्या करो, पहले इसको अच्छा अरेंज कर लो, अरेंज करो, एक बार लिखो, एक बार लिखो, रूट को क्या लिख सकते हो, पावर हाफ, पावर हाफ, और ये तो ऑलरेडी है, क्लियर, लॉग लगाओ, लॉग लगाओ, लॉग लगाने से क्या फायदा होगा, कि सब हट जाएगा, सब पावर तावर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, टू है ना, पहले लिख दो लॉग, पहले लगेगा रूल क्या, लॉग एम बाय एन, लॉग एम बाय, ये पूरा को एम बोल दो, ऊपर वाले को नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो लॉग एम बाय, पहले पूरा स्टेप करो, बच्चा ये गलती करता है, पूरा स्टेप करो, लॉग एम, एम की जगह बोलो, एम की जगह क्या, लॉग माइनस लॉग एन बोलो, कोई दिक्कत, अब ये यू इंटू वी लगा दे, गुना वाला रूल, प्लस में जाएगा, प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसे करो गलती नहीं होगा, प्लस लॉग फोर एक्स प्लस थ्री का पावर, हाँ और ये पावर क्या आ जाएगा, एक के बार कर देंगे, एक के बार करते हैं, लो बगल में लो इसको, अभी तक डिफ्रेंशिएशन का काम नहीं हुआ है, किसका काम हो रहा है, अभी लॉग का, बनवाई टू बगल में ले लो, पावर बगल में आ जाता ना, टू बगल में आप कर लोगे,
अब आसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब तो डिफरेंस लॉग वाई का, लॉग वाई का, लॉग वाई है, लॉग वाई का वन बाई वाई डिवाइड एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंस बोलो वन बाई एक्स, इसका लॉग का बोलो वन बाई टू, और लॉग एक्स का वन बाई फोर एक्स, आप फोर एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स का वन, थ्री का जीरो, चेन रूल करना पड़ेगा ना। आइए बताओ, टू लॉग एक्स का वन बाई थ्री एक्स प्लस वन, और थ्री एक्स का करोगे तो थ्री इंटू वन और प्लस जीरो, तो दिक्कत खत्म हो गया। अब वाई का, वाई को क्रॉस कर दो, आंसर आ गया, क्या समझे? एलसीएम सोल्व लेना था, ले लो एलसीएम। अब वाई यहाँ लिख दो, वाई लिख दो यहाँ पे, अब बाकी टू बाई एक्स वन बाई चार दूना आठ एक्स प्लस दो तीन छः एंड ये चार, चार चार काटो, चार चार ना दूना चार, तो टू बाई फोर एक्स प्लस थ्री, अरे क्या दो दो तीन छः, छः बाय एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, किताब में आंसर एलसीएम सोल्व लेकर के क्या होगा। अब वाई का वैल्यू ये वाला उठा करके ला कर समझे, छोड़ दो तुम यही छोड़ दो, वाई का वैल्यू क्या उठा करो, बाकी आंसर छोड़ो, आसान है कि नहीं है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, कॉस वाला, चलो ये तो और आसान है, खत्म हो गया, बहुत आसान है, देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 19 का 20 ना, कॉस वाला कोई पूछ लो ना, 20 का वन, ये भी अनसर्टी का क्वेश्चन, वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री। अब बताओ तुम अगर यूनिट रूल लगाने जाओगे तो तुमको तीन बार इसे ए को एक बोले यू बोलना पड़ेगा, दो को भी बोलना पड़ेगा, लॉग लगाओ कम बन जाएगा, फर्क नहीं, लॉग लगाओ, लॉग लगाओ तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन कर दे रखिए, हाँ लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस पावर नहीं है कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स, अब चिन्ह लगाओ डिफरेंस करो लॉग वाई का, समझे? लॉग का डिफरेंस बताओ क्या होगा, वन बाई कॉस, कॉस का माइनस साइन, कॉस का बोलो फिर वन बाई कॉस टू एक्स, और कॉस का माइनस साइन टू एक्स, और फिर टू एक्स का कितना होगा टू, ये भूल नहीं जाना, चेन लगाना पड़ेगा पूरा स्टेप, टू एक्स का भी तो करना पड़ेगा, और यहाँ कॉस का बोलो, इतना तो आप चेन तुम लोग अब बवाल हो ही गया होगा, थ्री ना, चलो आप करो वाई क्रॉस करो, वाई क्रॉस करो, अंदर बताओ क्या होगा, कॉस साइन में कॉस का जाएगा टेन एक्स, आप प्लस टू टेन माइनस टू टेन एक्स कर दे, टेन टू एक्स माइनस थ्री टेन थ्री एक्स को दिक्कत, अरे साइन में कॉस टेन हो गया, थ्री बाहर निकाल दिया, वाई का वैल्यू रख दो आप, हो गया खत्म करो आंसर आ गया, माइनस बाहर निकाल दो वाई का वैल्यू रखो, कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस, अब ब्रेकेट में ये पूरा को प्लस में लिख दो, ब्रेकेट में यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेरे पास जगह रही टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स, प्लस लिख रहे बाहर माइनस को ले चुके हैं, अरे प्लस बाहर कॉमन ले चुके हैं, हो गया आंसर खत्म, कोई टफ है खत्म कुछ नहीं ना ना ना, कहीं लगाएंगे पूरा लॉग का पूरा लॉग का चैप्टर चल रहा है, तुम लॉजिक दो लॉग लगाओ कितना आसान से सवाल बन गया, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके नोट करो।